गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई देखें, जब मैं डाइट शुरू करती हूँ तब भी आपको बताती हूँ, जब नहीं करती तब भी बताती हूँ। तो अभी मैंने एक नई डाइट शुरू की, आपने मुझे बताना है। आज मेरा दूसरा दिन है, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की है पहली दफ़ा। देखते हैं कि ये मुझ पर जो है ना, ये थोड़ा सा असर करती है कि नहीं। और अगर आप भी मेरे साथ आना चाहते हैं तो बताइएगा मुझे, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि क्या क्या खाना होता है। साथ साथ ये जो महीने के दिन है ना, ये आज क्या 13 सितंबर है ना, है? ओहो, ये बड़े ख़तरनाक दिन होते हैं। जो महीने के बीच के दिन होते हैं बड़े ही ख़तरनाक दिन होते हैं। इसमें क्या होता है, आप चादर को इस सिरे से पकड़ते हैं तो वो सिरा छूट जाता है, उस सिरे से पकड़ते हैं तो दूसरा सिरा छूट जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आपने अपने बजट को, चाहे आप कम कमाते हो ज़्यादा कमाते हो, फिर भी आपको अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं महंगाई की वजह से हैंड टू माउथ, जो कमाते हैं वो लगाते हैं, खाने पीने में ही ख़त्म हो जाता है। जब कोई एक्स्ट्रा खर्चा उनके ऊपर आता है ना, जैसे कि है बीमारी, शादी ब्याह, लेना देना, बच्चों के स्कूल के फंक्शन या कोई और ऐसी चीज़, मेहमानों की आमद, शादियों में जाना, तो ना एक कुछ सन्नाटा सा आ जाता है ज़िंदगी में। इसलिए ख़ास तौर पर जब उनकी ख़ानदान की कोई शादी होती है, करीबी शादी, उसकी डेट उन्होंने नोट करके रखी होती है। अब या तो औरतें कमेटी डाल देती हैं या औरतें कोई गुल्लक बना लेती हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें वो पैसे जमा करके रखती हैं कि वो जब वो वाला बुरा वक्त है, ज़रूरत का वक्त है, उस वक्त काम आ सके। मगर ये बीच का महीना, ये बीच का जो महीने का टाइम है, ये बड़ा क्रूशल होता है। इसी वक्त आपको होता है कि अगर आपके पैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए, जो भी महीने की आमदनी मियाँ ने कमा के आपके हाथ पे रखी होती है या आपने ख़ुद भी कमाई होती है, तो ये बीच की चीज़ है जिसमें आपने सारे बिल्स अदा कर दिए होते हैं, जिसमें सौदा आ गया होता है, जिसमें आपके पैसे आधे से ज़्यादा तनख्वाह जा चुकी होती है और अब आप बस गिन रहे होते हैं कैसे दिन गुजरे, कैसे महीने का आखिर हो और आपको नई तनख्वाह मिले। तो ये बड़े ख़तरनाक दिन होते हैं। और शादियों का सीज़न सर पर है भाई, हर तरफ जब भी देखो, कम लोगों में ही सही, लेकिन शादियां हो रही हैं माशाल्लाह, वो नहीं रुकती। मैंने सोचा यार कि एक ऐसा प्रोग्राम जो मेरे नाज़रीन जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें, वो हमने प्लान किया। और आज का प्रोग्राम ऐसा है जो हमने पहले इससे पहले कभी नहीं किया। बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, आपको सारी चीज़ें ए टू जेड हम सिखा रहे हैं। एक, कम बजट में, कम पैसों में कैसे खूबसूरत जोड़ा डिज़ाइन करना है। अरे भाई, डिज़ाइनर के पास तो नहीं जा सकते, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक ऐसे हर फन मौला ख़वातीन मौजूद हैं जो आपको गाइडलाइंस देंगी, ठीक है? आज क्या होगा, आज हम एक मखसूस बजट जो अपनी इन एक्सपर्ट्स को देंगे कि आपके लिए शॉपिंग करके, डिज़ाइन करके कपड़े बनाएंगी, मॉडल्स को पहनाएंगी, और पहनाने के बाद उसको कैसे स्टाइल करना है ताकि आप अपनी दावत में मुनफरिद नज़र आएँ। आपके पास वो पैसा नहीं है जो लोग स्टाइलिस्ट को दे, आपको पता है आजकल ये ट्रेंड है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं कि फलानी शादी है, तुमने मुझे ड्रेसअप करना है, तुमने मेरा मेकअप और ज्वेलरी ये सारी चीज़ देखनी है। स्टाइलिस्ट क्या करते हैं, अरे भाई हम कहाँ स्टाइलिस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, हर कोई थोड़ी अफोर्ड कर सकता है। तो मैंने कहा कि आज अपनी ख़वातीन को कम खर्च बाला नशी, यानी कम खर्चे में आप कैसे प्यारी लग सकती हैं, चाहे आपका वज़न कितना भी हो लेकिन आपको डिसेंट, अच्छा, ग्रेसफुल, प्यारा लगना है, और उसके लिए थोड़े पैसे भी जो है ना उससे भी आप अच्छी लग सकती। बहुत सारे लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं फिर भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उन्हें वो सलीक तमीज़ नहीं होती है। तो वो सलीका और तमीज़ उस बजट में जो आपकी जेब में है या आपके आपने अपने मियाँ की जेब से निकालना है, वो हम आज आपको अपने शो पे सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा शो है, वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और मैं तो एक्साइटेड हूँ इस शो को करने के लिए। तो आइए एक छोटे से वक्फे के बाद, बहुत सारे आइडियाज़ आपके मुंतजर हैं, तो ये वाला शो तो आपने मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हिम्मत रखें, ये महीने का आखिर भी आ ही जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, आपके मसले का हल निकालने के लिए मैं आज का शो लेकर आई हूँ। मुझे पता है सर पे शादियाँ हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ जाना है, तो जहाँ बहुत ज़रूरी है कपड़े नए बनवाना, और कैसे ना बनवाएं यार, पूरे साल में यही तो सोचते हैं, ईद पे नया जोड़ा बन जाए या शादियों के जो करीबी रिश्तेदारों की शादियाँ हैं, तो मैं आपके ही बजट में रहकर आपको बहुत आसानी से एक खूबसूरत आइडिया
कपड़ों का, मेकअप, स्टाइलिंग सब देने वाले हैं। और हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, सबसे पहले एक्सपर्ट अवेलेबल है हमारे पास जो यहाँ इस वक्त, वो है अंबर, जो खुद भी बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करके खुद पहनती हैं और देखती हैं जाके बुटीक्स में, अगर वो 70,000 रुपये के बने होते हैं तो ये 15-20,000 के अंदर अंदर या उससे भी कम में अपने लिए वही चीज़ बना लेती हैं अपनी क्रिएटिविटी थ्रू। आइए वो आपको हेल्प करेंगे अपनी क्रिएटिविटी थ्रू। अंबर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैंने पता है, मैंने कहा कि अंबर हमेशा जो अपने कपड़े लाती है, अपनी वार्डरोब लाती है और बताती है, निदा ये देखो ये मैंने इस तरह बनाई, इस तरह। तो मैं मतलब मुझे लगा अंबर बड़ी क्रिएटिव है ना अपने कपड़ों को डिज़ाइन करने के मामले में। नहीं, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम तमाम जो व्यूअर्स देख रहे हैं। अच्छा पता, मज़े की बात है, जब हम जा रहे थे ना शूट के, एकदम आपको टास्क दिया, पहले आप घूमते हैं, एक चीज़ पसंद आई नहीं पसंद, अब वो कैमरा साथ साथ सब चीज़ें ना, मैं कहा लॉ इस वक्त तो मुश्किल लग रहा है ना, कि वरना मैं आराम से अपना खुद देख लिया, अपना खुद जाते थे सुकून से, लेस एक जगह नहीं है तो मैं 3 जगह देखूंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस एक जो मुझे अच्छा लगे, एक क्लिक होता है। हम ऐसा करते हैं ना, हम सबसे पहले अंबर का पैकेज दिखाते हैं। अच्छा, हमने आज करना क्या है, हम पूरी अंबर की आपको शॉपिंग दिखाएंगे, उसके बाद अंबर एक्सप्लेन करेगी उसने जो जोड़ा डिज़ाइन किया, फिर यहाँ मॉडल आएगी, हम मॉडल को तैयार करेंगे उस कपड़ों के हिसाब से, और उसके बाद प्रोग्राम के एंड में आप यहाँ पूरा एक स्टाइल हुई भी आप पूरी मॉडल देखेंगे कि कपड़े, मेकअप, बाल कैसे बनाए, वो सारा अंबर स्टाइल करेगी। तो हम सबसे पहले रेडी अंबर का पैकेज, तो मैं सबसे पहले आपको बाजार लेके चल रही हूँ अंबर के साथ, और अंबर ने कैसे कैसे कहाँ कहाँ शॉपिंग की, क्या आइडिया बनाया, वो सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। आइए चल के देखते हैं अंबर का पैकेज, जो उन्होंने मेहनत से कपड़ा खरीदा, खुद बेले वगैरह ये सारी चीज़ें, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त अंबर खान जो है, कहाँ हूँ मैं, राबी सेंटर। अब देखना ये है कि राबी सेंटर में हमें बजट दिया है कि 10,000 के अंदर आप कपड़ा लें, लेस लें, स्टाइलिंग करें, जो भी करना है। आइए शुरुआत यहाँ से करते हैं, थोड़े नीचे तो देखते हैं, चलें जी यहाँ पे कपड़ा। सासों का दुपट्टा है और ये 700 रुपये गज है, और कुछ कम कर दोगे, ज़्यादा मैंने लेना हो तो कर दोगे ना यार, 5 गज दे दो अभी। इसका आखिरी बता दो मुझे, 800 रुपये फाइनल है, 800 नहीं बस 650, बस बिस्मिल्लाह करो, चलो 650। अब हम ऊपर जा रहे हैं आस्तीने लेने और कोटी लेने, चलें जी। आस्तीन और मैं बॉडी योक ये लूंगी। अच्छा कितना, 500 रुपये गज दे दो, बस 600। नहीं नहीं नहीं, 500। आस्तीन कितने बनेंगी, एक गज दे दो। ये पौन गज दिखाना, पौन गज, ये तो आधा गज में भी हो जाएगा, छोटी सी इतनी कोटी बनानी। अच्छा पौन गज दे दो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अब आप मुझे जो है ना इसके साथ थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर देना चाह रही, इसके साथ कलर। अच्छा जी, मैंने मुझे ये अच्छी लग रही है, तो कितना ये है मुझे बताएं, कितना कम कर रहे हैं? 350 साहब, 300 रुपये, नहीं मेरा बजट नहीं है भाई, मैंने आपको ज़्यादा बताया, ठीक है 150 रुपये गज है दोनों। क्या हो गया, 150 कहाँ मिलती है ये? 150 मिलती है भाई जी, कोई नहीं, हाँ हाँ मिलती है। 2,000 हो गए, बहुत कम हो गए, होगा बस 2,000, बस हो गए खत्म। चलें जी, शॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब देखना है यहाँ मास्टर साहब इनकी स्टिचिंग देखेंगे क्या है और स्टिचिंग क्या लेंगे। देखें सब चीज़ें हमने ले ली, ठीक है, 5 गज कपड़ा है, बिल्कुल मुझे अनारकली टच चाहिए, पेशवास चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ आप इसकी आस्तीन बनाएंगे, मुझे आस्तीनों में लाइनिंग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वाओ जबरदस्त, मतलब कि ये किसी बुटीक का जोड़ा लग रहा है,
कि जैसे ना लाइक डिजाइनर का जोड़ा बुटीक का इतने प्यारे महविश लग रही है माशाल्लाह से। अब हम इसको ना जो शॉपिंग अंबर ने की वो बाकायदा हम एक्सप्लेन करते हैं। अंबर अंबर तुमने ये कैसे सोचा कि मैं ये कलर बना? देखो पहले और देखा मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, स्ट्रेट कमीज, बजट हमें 10,000 का दिया। अच्छा 10,000 के अंदर बनाई है? आई कांट बिलीव। 3,500 स्टिचिंग है और बाकी कपड़ा है सिर्फ कितना हो गया 5.5 नहीं 6.5। दुपट्टा भी अभी इसका हम ढूंढ रहे आ रहा है, कहीं हम रख के भूल गए। ठीक है ये, और मजे की बात है जब मैंने ये देखा, ये तो मटेरियल देखो क्या मटेरियल अच्छा, ये बताओ। ये यकीन करो मैं परेशान हो गई कि इतना अच्छा, ये रॉ सिल्क मेरे पास दुबई का अभी मतलब पड़ा, सितारों वाला रॉ सिल्क था ये। रॉ सिल्क देखो इसने 700 पे आया। फिर मैं कहा भाई ये RY का है, तुम्हें ये क्या, तुम्हें लोग आएंगे राबी सेंटर देखेंगे, मुझे 500 रुपए गज। तो मैंने 5 गज कमीज का लिया। ओके 5 गज क्योंकि मुझे अनारकली तुम्हें वो कलिए पैनल्स, ये यहाँ पतले पतले पैनल्स आ रहे हैं और चौड़ा आ गया। ठीक है ताकि फिट, और मतलब इसमें कढ़ाई कराने की जरूरत ही नहीं, वो तो पूरे सितारे वाला। अच्छा मजे की बात है बस ये, फिर मैंने ऊपर गई, मैंने कहा ये सेम कलर है, नहीं कलर मिल गई तो मेरे क्या मटेरियल है, ये शिफॉन है ताकि गर्मी ना लगे। अच्छा तो मतलब मैंने तुम्हें रॉ सिल्क अलग लिया, ये भी अलग है, कोटी का भी अलग है, कोटी का भी अलग मटेरियल है सिल्क में। ओ अच्छा, क्योंकि अगर कोटी रॉ सिल्क में होती तो वो एक अकड़ा हुआ चौड़ा पाना नहीं था। वो भी चलो इसकी बन जाती, लेकिन इस पे देखो डिजाइन तुम देखो, यहाँ फूल है, ये स्ट्राइप्स है, ये स्ट्राइप्स है। मैंने एक मिनट मुझे एक आइडिया दो, वो जो 3 पीस जोड़े मिलते हैं वो इस तरह का ये सिल्क था और एक जैसा लग रहा है ये था। इसके साथ वो देखा ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था वो था। अच्छा पीछे मुड़ो जरा, तुम पीछे से मुझे तरह ये मैंने ये किया, ये जो कोटी है ये अलग कपड़ा था, अलग दुकान पे था सिल्क का। नहीं तुमने कोटी सिल्क में क्यों ली, तुमने रॉ सिल्क में क्यों नहीं ली? इसलिए मुझे डिजाइन ये नहीं चाहिए था, मुझे स्ट्राइप्स चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, स्ट्राइप्स से पतला लुक आता है? नहीं इससे बस ये कि थोड़ा सा चेंज हो गया कोटी तो चले। अगर होता बाद में हाँ। तो मैं ये भी कर सकती थी, मैं कॉन्ट्रास्ट कोई कोटी ले सकती थी, मैं पिंक को, मैं इसको पिंक दुपट्टे और पिंक से उठा देती। अच्छा करने को तो बहुत कुछ हाँ। लेकिन मैं कह रही ना उस वक्त बड़ा मुश्किल था हाँ। क्योंकि सारी टीम मेरे साथ थी क्या, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि ये फूल है, आस्तीन है, मुझे मिल गई शिफॉन में ताकि। अच्छा दुपट्टा जो तुमने इसका लिया है वो भी इसी बजट में आ गया 10,000 के अंदर। और ये देखो ये मैंने कोटी अलग से ली क्योंकि अनघर का स्टाइल मैंने बनाया। ठीक है ना अब चीज सामने, और ये फिटिंग की आस्तीन है जैसे ये पूरा, और फिर तुमने बेल ली, जाके बेल लगा ली। हाँ अब बेल में ही हो रहा था कि चौड़ी जैसे ये लिए ना मैंने बेल हाँ। ठीक है और कितना अच्छा है देखिए नीचे इतना प्यारा कपड़ा, ये भी तो तुम्हें लेना पड़ा होगा ना, ये दर्जी ने लगा दिया, ये बेचारे मां साहब ने लगा दिया। थैंक यू आरिफ बेचारे। अच्छा ये इसके लिए ना सस्ता वाला भी मटेरियल ले ले तो खाली कलर नजर आना होता है ना, तो ये भी समझो ऑलमोस्ट इसी में आ जाए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और ये बेल ली तुमने कलरफुल, यार महंगी बहुत महंगी उसने कम कर दी, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिए, राबी सेंटर में दुकान थी ये टसल्स ना, तो इस टसल्स को मैंने कहा मैं कहाँ दूँ क्योंकि मेरे सामने ही था, मैंने कहा मास्टर एक काम कीजिएगा साइड में ना टसल्स दे दीजिएगा, स्टाइलिश लगेगा सर। यार मतलब 10,000 में आई कांट बिलीव इट, और ये बहुत प्यारा जोड़ा बन गया। चौड़ी लेस यहाँ नहीं आ सकती तो मैंने 2 लेसें लगाई हैं कोटी पे। अच्छा। इसको मैंने दिया आड़ी क्योंकि टर्न करना जरूरी है। ये पतली वाली लेस है? हाँ ये पतली, ये पूरी पतली एक लेस है। अच्छा यहाँ पे तुम देखो ऑरेंज दी तुमने, ये ही लेस है हाँ। जो कि मल्टी कलर चल रही है, तो यहाँ ऑरेंज आया, पिंक अलग दी है मैंने। अच्छा मतलब ये येलो पिंक और ऑरेंज वाली लेस एक ही थी, देखो यहाँ पे ये चल रहे कलर एक अच्छा हाँ। लग रहा है इसके साथ। अब इसके साथ जाहिर सी बात है महविश का, अब देखो मेन स्टिचिंग हाँ। ये फ्लेयर, अब ये आराम से आपने यूं दुपट्टा, अब मैं चाहूँ तो इसको पिंक दुपट्टा भी सितारों वाला हाँ। वो दे सकते हैं दुपट्टा रास्ते में, वो हम टेलर के पास भूल गए थे। अगर टाइम होता ना तो आप चटापटी का दुपट्टा बहुत स्मार्ट लगता, मैं अगर टाइम होता ना हाँ। तो फिर मैं चटापटी का मैंने अपना बनाया था। अच्छा। जिसमें पूरी आड़ी करके उनमें पूरे सितारे लगाए ताकि वो हर ड्रेस का चल जाए, तो इसमें चटापटी का अगर दुपट्टा चटापटी का बनेगा थोड़ा सा महंगा हो जाएगा जोड़ा हो जाएगा हर चीज। अच्छा इसमें मजे की बात है 6,500 में जिसमें 5 गज ये पौन गज मैंने इसका लिया, 1 गज कोटी का सिल्क का और
एक गज आप नोट ये करें कि मटेरियल्स अलग है, जो पूरा ड्रेस है रॉ सिल्क है, कोटी जो है वो अपना नॉर्मल सिल्क है पतला वाला, और ये जो आस्तीन का मटेरियल है ये शिफॉन है, शिफॉन है तो हाँ। ये और मजे की बात है राबी सेंटर से तुम्हें तीनों 6,500 में कपड़ा विद लेस, 6,500 में विद दुपट्टा, बहुत सारी औरतें जो खुद सिलाई करती हैं जो हमें देख रही हैं, बिल्कुल, तो आपको 6,500 में कपड़ा मिल गया। आप ये 3,500 जो दर्जी ने लिए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल थोड़ा क्रिटिकल है ना सिलने में, एग्जैक्ट दर्जी ने लिए, अच्छे दर्जी से सिलवाया, कहाँ से तुमने, खड्डा मार्केट से सिलवाया? हाँ खड्डा मार्केट से। हाँ तो अच्छे इसने दर्जी से सिलवाया जिसका कट वट और सिलाई अच्छी थी, क्योंकि ये सिलावा नहीं अच्छा होता सारा कपड़ा, अगर ये अच्छा नहीं है तो दिल से उतर जाए, बिल्कुल। अब इसको और लेंथ हम और लंबी कर सकते, मैं कहने चूड़ीदार अब देखे, अब इसी कपड़े को किसी का अगर हो कि इतना इससे भी कम बजट करना है तो आप अनघर का ना बनाए। अच्छा स्कोटी को क्या रखे, कहते हैं अनारकली कोट, अनारकली स्ट्रेट कमीज, यहाँ वो काटता है इसका, हाँ यहाँ बिल्कुल ये और पूरा अनार भोपाली स्टाइल नहीं होता, हाँ। अनारकली। अब पता है शादी ब्याह में ना इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ट्रेडिशनल। आपने जो है मेहंदी है अगर, तो मेहंदी में डांस भी करना है और ये सब तब कंफर्टेबल रहता है। अगर आपको नहीं है ना ये, इसको और बचाना है। अच्छा पैरों के लिए क्या किया तुमने, टाइट्स वगैरह दे? नहीं चूड़ी, इसके साथ चूड़ीदार, चूड़ीदार दिखाओ, चूड़ीदार पजामा, ये चूड़ीदार पजामा बनाया इसके साथ, ठीक है ना, ये भी इसी के अंदर आ गया। हाँ हाँ इसी के अंदर। आखिरी मैं कह रही मैं भूल गई, मैंने कह रहे 500 में का दे दो यार कपड़ा, प्लीज दे दो, बजट नहीं है 500 में कपड़ा दे दिया। देखो चूड़ीदार वाला जो है ना वो तो एक ये आइडिया भी है, बहुत अच्छा है ये। कितने का कपड़ा मिला होगा तुम्हें? यार 500 का मिला, लेकिन मैं ढूंढ रही थी गोल्डन टाइट्स आती है। यस मैं वो कह रही थी, अब मैंने राबी सेंटर में वहाँ थी नहीं दुकान तैयार, वरना मैं कह रहा बेस्ट है मैं टाइट्स ले लूंगी। वरना एक और आइडिया है वो ये की अगर व्हाइट टाइट्स भी मिल जाए तो आप ये ग्रीन कलर डाई करा सकते हैं उस पे, गोल्ड करवा ले, हाँ गोल्डन भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगेगा। और अगर ये क्योंकि टाइट से क्या होता है जब आप लुड्डी डाल रहे हैं या आपको भागना दौड़ना है आप बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन महवेश का अच्छा सिला है, बहुत अच्छा चूड़ीदार भी, और मजे की बात है महवेश जरा बैठो, अब जब आप बैठते हैं तो आपका तंग पजामा ज्यादातर तभी नजर आता है, सिलावा कितना अच्छा है देखो, बैठो पतले पैनल्स ऊपर सारे, बैठ के ऐसे कुछ करो कि तंग पजामा तुम्हारा नजर आ रहे कहीं कहीं, जैसे बैठा होता है ना बंदा, हाँ। कभी तो ये नजर आता है। और देखिए चूड़ियां जरूरी है तंग पजामे में, देखिए हाँ। ये देखिए ये ये जरूरी यार है। मतलब अगर आप किसी डिजाइनर की शॉप पे जाएंगे या आप ये खरीदेंगे बना बना 25,000-30,000 से कम गिरे से गिरे भी नहीं आपको मिलने वाले इसमें। वही मैं कह रही ना चटापटी का डाल दूं, हाँ और हैवी कर लो और क्या बस, तो और किसी को अनघर का नहीं भी चाहिए ना, तो ये कोटी स्ट्रेट शर्ट के साथ नीचे अंजा, प्रॉपर मेविस को आप तैयार देखेंगे, ये इसको ज्वेलरी पहनाएगी, इसको इसका मेकअप, इसके बाल अंबर पूरा अपने स्टाइल से करेगी। देखो ये बैठने में पिंक का कलर कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो आपको देखे आइडिया भी मिल रहा है तैयारी इसके साथ कैसे। अब ये चमकता दमकता कलर है उसके साथ मेकअप कैसे होगा, ये सारी चीजें अंबर, अंबर तुम अपने काम पे लग जाओ, मेकअप पे लग जाओ, फिर मैं तुमसे आहिस्ता आहिस्ता बीच में पूछती रहूंगी क्या कर रही हो, बिल्कुल कौन सी लगा रही हो, हैं बिल्कुल। और आपके पास सिर्फ अंबर का आइडिया नहीं, हमारे पास आज यहाँ 4 मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, 3 सॉरी 3 है ना, हाँ 3 एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बकायदा सिखा रही हैं कि यार कम पैसों में भी बहुत आप डिसेंट लग सकते हैं, बहुत आप अच्छे लग सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है खवातीन इतना पैसा खर्च करती हैं फिर भी वो अच्छी नहीं लग रही होती, कहाँ कमी होती है, कहाँ गड़बड़ होती है, वो आज आपको सीखने का मौका मिलेगा। नाजिया मलिक को मैं आप बुला रही हूँ, मैं ऐसे लोग चुने शोबिस के जिनको खुद डिज़ाइनिंग का शौक भी है, खुद प्रोफेशनली भी करते हैं, लाइक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, और उनको पता है कि अगर कम खर्चा करना है तो ये हर तरह के कपड़े डिज़ाइन कर देती है। आप नाजिया को बोले मुझे इतने में कपड़े बना दें, ये आपको आपके बजट में कपड़े बना के देंगी। आइए वेलकम करते हैं नाजिया मलिक। माशाल्लाह से सुमैरा अलीम है, वेरी नाइस डिजाइनर। और नाजिया मलिक आजकल क्या कर रही है? नाजिया मलिक आजकल जो है वो अपना एक शो कर रही हूँ मैं, और साथ साथ जो है मेकअप तो मेरा चल ही रहा है। अच्छा नाजिया मुझे ये बताए कि जब शॉपिंग पे नाजिया निकलती है उसका बेहतरीन टाइम कौन सा सेलेक्ट करती हो, कब जाती हो शॉपिंग? शॉपिंग के लिए शॉपिंग के लिए मैं ज्यादातर मेरा टाइम मैं बताती हूँ सुबह का होता है, सुबह का वक्त जैसे मतलब दुकानें खुल जैसे हाँ खुल जाए उससे या मूड बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि पता है मेरा टाइमिंग्स होते हैं इसके अपने मेकअप्स के, शाम
मैं तो किसी हालत में भी मैं नहीं निकल सकती। हाँ। तो अपना जो भी काम है ना, मतलब 12 बजे से 2 बजे तक कर लेती हूँ। अच्छा, तुमने बाजार भी डिवाइड किए हुए कि ये चीज तो मैंने इस बाजार से लेनी है, ये चीज तो मैंने इस, या तुम कंफर्टेबल हो किसी एक बाजार से? या ज्यादातर जो मुझे करीब पड़ता है वो मुझे आशियाना पड़ता है। अच्छा। या मुझे द प्लाजा पड़ता है। पहले तो मैं द प्लाजा जाती थी, लेकिन अब आशियाना। उसकी वजह ये है, मेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ना जो आशियाना है ना वो बिल्कुल फोरम के साथ है। अच्छा। तो फोरम से मैंने शॉपिंग की अपने ग्रोसरी की। हाँ। और वहीं से फिर मैं टाइम बचाती हूँ, टाइम बचाती हूँ, टाइम वापस देख रही है मेरे बाल बहुत खराब हो। हाँ ना, वो स्क्रीन है ना सामने होती है, सामने बुरे हो रहे हैं। अच्छा, तो तुम ज्यादातर कंफर्टेबल होती है आशियाना से, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है? सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सच्ची बताऊं तो आशियाना थोड़ा सा महंगा है। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे जो आशियाना जाहिर है वो क्लिफ्टन में है, तो अगर जो दूसरे और लोग हैं उनको मशवरा दो, और कौन कौन से बाजार? मैं प्रेफर बेसिकली, अगर मुझे अपनी बजटिंग में जाना होगा तो मैं पहले वो बाजार ढूंढूंगी जहाँ पे मुझे बजट वाली चीज मिले। तो तुम क्या गाइडलाइन देती हो? मैं गाइडलाइन लोगों को ये दूंगी कि एक तो ये कि आप सर्वे करें थोड़ा सा। अच्छा। ठीक है, सर्वे करने के बाद फिर आप अपना जो है ना जो भी आपको सामान खरीदा खरीदे। कि क्लिफ्टन जो है ना वो महंगा है, साफ सी बात है। गल्फ थोड़ा सा सस्ता है, थोड़ा आशियाना, लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे तारिकपुर थोड़ा सा राबी महंगा लगता है, फिर मुझे वही चीज जो है सस्ती मिलती है। अच्छा, थोड़ी सी तारिकपुर जो है क्लिफ्टन से महंगा है? नहीं नहीं नहीं, मतलब बराबर ही है, थोड़ा सा कम हो। हाँ, फिर थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर मुझे वो ढूंढना पड़ता है। फिर आपको ऊपर जाके कोनों की दुकानें हैं, वहां जाके जितनी अंदर करके दुकानें होती है ना उतना ज्यादा पैसे कम होते हैं। अच्छा, फिर तारिकपुर के बाद और कौन सी जगह? फिर बहादराबाद में है कुर्तुबा। कुर्तुबा तो फिर आपको बहुत अच्छा रीजनेबल मिल जाए, लेकिन वहाँ इतनी वैरायटी है? इतनी वैरायटी नहीं है। हाँ। लेकिन यह कि ढूंढना पड़ता है। अच्छा। अगेन वो आपको दुकानों में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। मुझे जिस तरह अंबर का बहुत अच्छा लगा, ये कपड़ा वहाँ नहीं मौजूद था, मैं कुर्तुबा गई थी। हाँ, हाँ। ठीक है, और अंबर ये तुमने तारिक रोड राबी सेंटर से लिया है ना? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नाजिया की शॉपिंग, नाजिया का डिजाइन, ये सब हम आपको बताते हैं। आके यार बहुत आज मजे का प्रोग्राम है, बहुत सीखने का मौका मिलेगा। हमारे साथ आज 3 एक्सपर्ट्स हैं, एक जोड़ा अभी आपने देखा है, और अभी हमने महविश का मेकअप शुरू करा दिया। तुम इसको पार्टी वेयर के लिए कौन सी बेस दे रही हो? मैं इसको एसटी की दे रही हूँ। एसटी यानी स्वीट टच, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। बेहतरीन है, मैं भी यही लगा। डन हो गया जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए स्टाइलिंग की क्लास ऑन है जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको आइडियाज मिल रहे हैं कि आपके बजट के अंदर आप कैसे कपड़े डिजाइन कर सकते हैं, अपनी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। अंबर ने अपनी मॉडल को तैयार करना शुरू कर दिया है, स्वीट टच की बेस लगाई है अभी। हाँ। और आहिस्ता आहिस्ता ये मेकअप की तरफ जा रही है, फिर बालों की तरफ भी जाएंगी। उतनी ही देर में नाजिया ने जाहिर है आशियाना जाके शॉपिंग की। नहीं, मैंने कुर्तुबा गई। हाँ, यानी आशियाना मुझे महंगा लगता है। बहादराबाद इसलिए कुर्तुबा से शॉपिंग, मैंने वहाँ का सिलेक्शन की, मैंने कहा मैं कुर्तुबा जाऊंगी। अच्छा, मैं एक और नाम लूंगी, हैदरी भी। हाँ। अगर आपको लाहौर जाना है तो इचरा मार्केट जिस तरह है, इसी तरह वहाँ पर जो है लिबर्टी मार्केट है, वो थोड़ी महंगी है। इसी तरह इस्लामाबाद में मैं कहती हूँ कि आप पिंडी जाके शॉपिंग करें। अच्छा, वो सस्ता पड़ता है वहाँ पे? बहुत सस्ता पड़ता है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान का तुमने बता दिया। हाँ, तो पेशावर का नहीं पता चला, मैं गई नहीं, उसने मैंने जाना है। मतलब मैं वैसे जा चुकी हूँ घूमने फिरने, लेकिन मैं मार्केट वगैरह नहीं गई हूँ। अच्छा, अब मैं आपको नाजिया का पैकेज दिखा रही हूँ, जो उसने जाके शॉपिंग की, किस तरह बेले वगैरह खरीदी, क्या किस तरह का जोड़ा बनाया, ये सब आपको दिखाते हैं। और कितने बजट के अंदर की है ये सब कुछ किया तुमने? ये मैंने 10 में किया, और वो भी बताऊंगी क्यों। 10,000 बचा सकती थी मैं। हाँ। लेकिन मैंने एक वजह से 10 में की, लेकिन वो बाद में बताऊंगी। ठीक है, 10,000 के अंदर सिलाई शिलाई सब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सब कुछ, सब। ओके जी, आइए चल के देखते हैं पैकेज। ऑलराइट, मैं आ गई हूँ कुर्तुबा मार्केट, और 10,000 का बजट है, अच्छा सा खूबसूरत सा जोड़ा बनाना है, चले आए। ये आपके हैं जी? कैसे दिए? इसके प्राइस हैं 3,000 रुपये। और ये? ये वाला, ये भी 3,000 रुपये। ये भी 3,000। और ये? ये वाला 4,000 रुपये। और ये? ये वाला 3,000 का है, इसमें मुख्तलिफ रेट है सबके। नॉट बैड, कितने का करोगे लास्ट मेरे लिए? ढाई। ठीक है, सही है, ठीक है, ये दे। ऑलराइट जी, अब हमने ये ले लिया है लहंगा, चले अब आगे जो है हम इसका अपर लेते हैं। इसमें गोल्ड में है,
ये कलर चाहिए। गज कैसे दिए ये तो बताओ पहले। 300 पर यार्ड कितने पड़ जाएगा? 450 लगा लो। इसके साथ का मतलब सेम कलर का भी चाहिए और मुझे जो इसमें जो गोल्ड एंड सिल्वर है ना मिक्सचर मुझे उसका भी चाहिए। ऑल राइट, क्रिएटिविटी आ गई। यस यस यस। अरे छोड़ दो पर्पल को, हम पिंक लगाएंगे। छोटी कोई और दिखाओ। हाँ ठीक है, सही है। हाँ परफेक्ट हो गया। बस अब मुझे ये दे दें, ये आप दे दें, 8 8 8 गज। ये कैसे बताया? 240। ये भी 240 है? फिर सब 200 कर दो। नहीं 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 सब 200। ये चलो मैं 200 ये 150 कर दो। फिर ये भी 180 करो। बात हो जाएगी ना? हाँ तो बस इसीलिए तो बात वही कर रही हूँ। नहीं 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 अच्छा जी, 7,500 का बजट हो गया। अब मैं दुपट्टा जो है वो ऐसा लूँगी जो मैं बाकी जो है ना कपड़ों के साथ भी यूज़ कर सकूँ और सस्ता दुपट्टा लूँगी। ये भी निकाल दो और ये जो पिंक है ना इसके ऊपर ये भी निकालो, ये दोनों निकाल कर रखो। ठीक है चलो सही है, ये दे दो। फिर कैसे दोगे? ये आपको खाली में से 450 लगा दो, 180 से लगा देना। ठीक है चलो दे दो। और जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं कि मैंने लेसेस लगवानी है और ये एक ना चोली बनवानी है ना, तो ये बताएं कितने लेंगे इसके? ये आपसे 2000 का दुपट्टा और ब्लाउज। लेकिन तुम्हें इसमें एक काम और करना होगा, 2000 मैं दूंगी लेकिन मैं ये चाहूँगी कि इसके नीचे भी एक पट्टी लगाओ। देखिए सिलाइयों वाला चाहिए मुझे, कहीं पर भी तुलपाई नहीं चाहिए। ना 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 ना, आई हेट तुलपाई। ठीक है डन। कब दे रहे हो मुझे? कब चाहिए आप? कल। कल के शाम? शाम में। ठीक है, ठीक है ना। मैं रेडीमेड दुपट्टा भी ले सकती थी लेकिन मेरे पास जब बजट था तो मैंने कहा मैं दुपट्टा ऐसा बनवाऊँ जो बाद में भी ले सकूँ। हाँ जी, तो हमारा दूसरा जोड़ा भी आपके लिए यहाँ मुलायजा है। ओके नाजिया, शरारा तुम्हें बना बनाया लिए, ये बना बनाया आजकल मिल जाते हैं, ये क्यों मिल जाते हैं? इसलिए क्योंकि अगर ये मैं बनवाने चाहूंगी इसमें कलियां इतनी ज्यादा हैं। हाँ। जिस तरह अभी अम्बर ने बताया 3,500 सिर्फ सिलाई दी। हाँ। तो अगर मैं कपड़ा लेती सिलाई करवाती तो मुझे बहुत महंगा पड़ता। हाँ। तो क्यों ना मैं रेडीमेड ही ले लूं, क्योंकि मैंने इनसे पूछा अभी, मैंने कहा आपके इतने सस्ते क्यों होते हैं? ये बनते थोक पे, बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, अब इसके साथ आप एम्बेलिशमेंट्स कर सकते हैं डिफरेंट ना। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप एड ऑन कर दें तो फिर ये कि वो खूबसूरत लगता है। और ये क्या, ये जो शरारे हैं घाघरे हैं जो इस तरह के मिल रहे होते दुकानों पर आजकल, तो ये क्या साइजेस में होते हैं? कि अगर आपने कहा लार्ज साइज चाहिए, छोटा चाहिए? लार्ज, इसको आपने देखा ना मैंने ऑल्टर कराया था। अच्छा, तो इसको हल्का सा इसको यहाँ से कमर से फिटिंग कराई इसकी, तो फिर ये जो इनके साइज का हो गया। अच्छा, ये एक फ्री साइज घाघरे मिल जाते हैं। हाँ, और मैंने कोई कलर नहीं सोचा था, मैंने कहा मुझे जो अवेलेबल चीजों की मेरे बजट के मुताबिक मैं उसके मुताबिक कलर लूं। लोग का समय कलर सोच कर जाते हैं, मैं सोच कर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ जाके आप चॉइसेस भी तो देखे ना कि क्या क्या आपको आपके पास अवेलेबल है। एग्जैक्टली, इसीलिए आपको जो वो चीज लेनी है जो आपको आप अपने बजट के मुताबिक। मैं कुछ नहीं सोच कर तकरीबन शरारा कितने कपड़ा रिपीट करो? ये 2,500 का, 3 का दे रहा था, मैंने उसे डिस्काउंट करा के 2,500 का ले लिया। अब आप ये सोचो कि 2,500 में सिलाई भी नहीं होती, शरारे की सिलाई तक नहीं होती है। ओके, तो फिर वही बात है, अगर आपको अपनी चॉइस पे जाना है तो फिर तो आपको हर चीज महंगी 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 पड़ेगी। हाँ। लेकिन अगर आप जो है आप ये चाहते हैं कि आप अच्छे भी लगे। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ तुम कि जैसे ये एक घाघरा था तो इसी तरह का और भी घाघरा था? बहुत सारे थे, वो दिखाया भी। नहीं नहीं, जैसे यही डिजाइन यही कलर? नहीं 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 नहीं, एक ही था और यही एक पीस था जो मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे थे लगे हुए लेकिन मुझे ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा था, भरा हुआ था, पहना हुआ अच्छा लगता है। लड़कियों मेहंदी शेदी में जाती, इवन शादी में भी जाए, वली में भी, तो ये ऐसा है कि जो हर ओकेजन पे। क्योंकि कुछ बच्चियों को या कुछ खवातीन को उन्होंने एक दिन तो शादी में घाघरा बनाना ही होता, बनाना ही शरारा पहनना ही होता और बड़ा मजा आता है। हाँ। पता है पहनकर मुझे तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा। अब मुझे बताओ तुमने शर्ट ली? हाँ ठीक है, और शर्ट तुमने ली कुछ ऐसी
जिसपे लाइक उस तरह की कढ़ाई थी, गोल्डन स्पॉट्स लाइक सिर्फ डॉट्स, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहती थी कि एकदम से एक जैसा हो जाए। अच्छा, ऐसे यूजली शर्ट्स के साथ जो होता है ना, यहाँ पर तो दुपट्टा मटेरियल बताओ, शरारे का मटेरियल क्या है, इसका मटेरियल क्या है? शरारे का मटेरियल जो शिफॉन है। अच्छा, शिफॉन के ऊपर कढ़ाई हुई भी है, एग्जैक्टली वो अकड़ा हुआ हो गया, और ये सिल्क लग रहा है मुझे, और ये सिल्क है पर ये सस्ता वाला है, शर्ट जो है पाकिस्तानी सिल्क है, पाकिस्तानी सिल्क वेरी नाइस। ये तकरीबन कितने का पड़ा होगा? ये मेरे ख्याल में मैंने 400 रुपए गज था। अच्छा, तो मैंने गज ही उठा लिया था। एक गज काफी है ये? हाँ, एक गज बहुत, एक गज बल्कि पौना इसका होता है, लेकिन ये कि थोड़ी सी लंबी शर्ट चाहिए थी मुझे, तो इसलिए मैंने एक गज। अच्छा, दुपट्टे का मटेरियल क्या तुमने उठाया? दुपट्टे का मटेरियल जो है वो भी पाकिस्तानी रॉ सिल्क है, ये कॉटन सिल्क है, कॉटन सिल्क। अच्छा, मैं चाह रही थी थोड़ा सा रॉ सिल्क में, मतलब थोड़ा और हैवी दुपट्टा, मुझे पर्सनली मुझे पसंद है कि थोड़े मोटे दुपट्टे, मैं पतले पतले दुपट्टे ना शादियों वगैरह के लिए पसंद नहीं करती। अच्छा, क्यों? क्योंकि लेस वगैरह इन पे ठहरती बहुत अच्छी है, पतले दुपट्टों में ना वो ऐसे वो जाती है। तो तुमने फिर ये क्यों लिया? बजट का वजह थी क्या ये वाला दुपट्टा? ये एक तो बजट के लिए भी, क्योंकि अगर थोड़ा सा और कलर नहीं मिल रहा था मुझे, कलर तुम्हें इस कलर मुझे सेम कलर चाहिए, डाई नहीं कराना पड़ा उसका, उसके खर्चे से बच गए। मैं रेडीमेड पे जाती हूँ चीज पे, क्योंकि होता ये है कि अगर आप जरा भी डाइंग ले एक्सपेंसिव पड़ता है आपको, चीजें जो है फिर और महंगी पड़ना शुरू। अच्छा, दुपट्टे पे सबसे ज्यादा खर्चा आया पता आपको क्यों? अच्छा बताती, क्योंकि लेसेस बहुत महंगी महंगी 3,000 की सिर्फ लेसेस थी। अच्छा, मतलब शरारे से भी ज्यादा महंगी लेसेस थी। लेकिन इसकी वजह यह है कि ये दुपट्टा सिर्फ इस सूट के लिए नहीं जाएगा, आपने सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करना है, आप ले इस रंग का पूरा सूट और लंबी और शादी में चला सकते हैं। एग्जैक्टली, लंबी एक शर्ट फ्लेयर वाली आपने बना ले प्लेन। हाँ, बिल्कुल, और ज्वेलरी अच्छी उसके ऊपर पहन ली और दुपट्टा चला ले। मेरे पास इस किस्म के सा लहंगा है, लहंगे को भी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मेरे पास हर तरह की वैरायटी अपने घर पे भी मौजूद है। अच्छा, 4, 5, 6, 10 किस्म के दुपट्टे हैं, 6 किस्म के लहंगे हैं, वो इतना मिक्स एंड मैच करती हूँ मैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि नाजिया रिपीट कर रही है। 5-5 साल पुराने लिटरली किसी को पता नहीं चलता, तो मैं पहनती हूँ ना, ये चीज पुरानी नहीं होती है, क्यों आप इतना ज्यादा खर्चा करें मेरे। अच्छा, कभी ऐसा होता कि मुझे कोई लहंगा मेरा है ना रखा हुआ, उसी के साथ ही दुपट्टा ले लिया कोई नया। सही, आप तो उसको अपनी मर्जी से जो है वो मेकअप करोगी, स्टाइल करोगी, बिल्कुल, और हमें दिखाओगी कि लाइक 10,000 के अंदर अंदर तुमने पूरा एक शादी का, मतलब लाइक आप बाहर खरीदने जाएंगे तो वही मिनिमम, मैं सस्ती सी जगह पे भी बता रही हूँ, 25-30 हज़ार से कम का ये जोड़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं होता। मतलब डिजाइनर्स को बहुत अच्छा, मतलब अगर वो दिमाग इस्तेमाल करें तो अच्छे पैसे बच जाते हैं। बिल्कुल बचते हैं। मैं कहती हूँ आप लड़कियाँ जो इस वक्त घर पे भी देख रही हैं, अगर आप बचाना चाहती हैं पैसे तो किसी भी तरीके से आप बचा सकते हैं। अपना थोड़ा सा आजकल इंटरनेट मौजूद है, डिज़ाइन निकालें, देखें, मार्केट जाएं, सर्वे करें। सर्वे करेंगे अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी, और इसके साथ फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी भी, इसके साथ मैं लंबा नेकलेस भी पसंद करूँ आप वो भी पहन सकते हो, आप शॉर्ट नेकलेस भी, दुपट्टे के डिफरेंट स्टाइल्स हैं लेने के, उस तरह से आप ले सकते हैं, आप पूरा इस तरह फ्रंट से भी ले सकते हैं कि लेस नजर आए, तो ऑल डिपेंड कि आपने अब इस जोड़े को कैसे यूटिलाइज, ठीक है, आप इसकी शुरू करो उसकी स्टाइलिंग। मैं दोबारा अंबर की तरफ जा रही हूँ, अंबर का मेकअप हो रहा है इस वक्त, और अंबर मुझे बताएंगी कि आंखों के ऊपर तुम कौन सा वो यूज करियो। मैंने ये दिया आईशैडो, मैंने हल्का सा बेस बनाई गोल्ड से, तो मैं तुम्हें ये वाले क्रायलिन के बड़े अच्छे लगते हैं शेड्स, है ना, ये मैंने सबसे पहले मेकअप स्टार्ट किया था इसी से किया था, तो दिखा दोगी ऑडियंस को, दिखाओगी जरा कि ये वाले शेड जो है ये इन दोनों से बिल्कुल लाइट, कभी भी आप करें इसमें और शेड्स होते हैं, आप बिल्कुल बेस आई बेस कर सकते हैं, पानी मिला के होता है ना, हल्का, बहुत हल्की एज अ बेस। अच्छा, अब इसको मैं एज अ आई शेडो इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब पहले तो ये गोल्डन बेस थी, उसके ऊपर तुम ग्रीन दे रही हो, हाँ ग्रीन, ताकि वो जो कलर कपड़ों में वो आंखों में नजर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो, इनर्स में गोल्ड दूंगी, ऊपर मैंने कहा बार बार हाईलाइटर कौन इसी से जल्दी से एक यूज से कर दूं, और एनहांस करना होगा तो मैं और डार्कर कर दूंगी, ठीक है। इसको जरा मैंने थिक बनाया है जैसे आप देख सकते हैं ये। अच्छा, तुम इसके कॉर्नर्स तुम किस कलर से दोगी? मैं कॉर्नर इसके बस यहाँ पे मैं इसकी लाइन दूंगी, ठीक है, और बस लैश लगाऊंगी, तो कॉर्नर्स वगैरह नहीं देंगे, बहुत हल्का ब्लेंडेड मैं देखूंगी, जब मैं मेकअप कर रही होगी ना आहिस्ता तो मुझे नहीं पता, बस खुद ब खुद। लिपस्टिक तुम कौन सा सोच रही हो? लिपस्टिक मैं इसको दूंगी हल्का सा ब्राइट नहीं दूंगी। अच्छा, क्योंकि कपड़े ब्राइट है ना बहुत, पिंक पिंक के पीच एंड पिंक के शेड्स। अच्छा, मिक्स मिक्स दो तीन। अच्छा, अंबर मुझे ये बता सकती हूँ कि ये धानी कलर कहलाता है, तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्शन की जो लड़कियां हैं उनको डार्क दिखाता है, किस कॉम्प्लेक्शन के सूट करता है? देखो ये इतना प्यारा कलर है, मैं समझती हूँ जब कलर बहुत प्यारा होता है ना
तो एकदम से आपके स्ट्राइक करता है, जैसे हाँ. मेरा दिल कलर पे आ गया हाँ. मैंने और मेरा भी फेवरेट मैंने कलर फिर देखा ही नहीं, मुझे कहा कि नहीं ग्रीन, मैं कहा ये ना करो जो मुझे हाँ. अच्छा लग रहा है मैं वो ले रही हूँ हाँ. मैंने कंसीव कर लिया था फौरन क्या है. तो जैसे अगर ये सांवली लड़कियां भी ये धानी कलर बनाए अच्छा लगेगा, बहुत डार्क नहीं लेकिन सांवला गंदगी रंग जो है हाँ बेहतरीन क्यों नहीं लगेगा. पता मैं आईज अगर ये शॉकिंग पिंक पहनो तो इंसान को जरा घबराए हाँ. वरना आप खेलो लाइटर जितने फॉर्म्स है ना शेड्स हाँ. के सब खेलना चाहिए. अच्छा तुम इसके बाल कैसे बनाने का सोच रही हो? बाल बस मैंने हल्का सा घर से टीके लाई थी हाँ. और मांग वाले बनाओगी? बस मांग वाले पूरे कर्ल्स करके पीछे, क्योंकि वो अंगरखे के साथ अच्छा लगेगा अंदर को. और ये मैं खुद लाई थी अनारकली कहते हैं ना इसे, सॉरी. और मैं ये लाई थी कैसे मैच बड़े बड़े झुमके कलरफुल ताकि इसके साथ बस ये जो वाओ जबरदस्त कलर. ये भी बाजार से मिल जाते हैं ये ना? हाँ ये तो मेरे अपने हाँ हाँ यहीं से ये, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते यार बजट में. मैंने कितने के जब दिखाया था शो में आई थिंक तुमने 1000 के अंदर ऐसे लिया था, 800 के बताए थे मुझे यार पता नहीं कितने के. हाँ तो लाइक ओके फिर मतलब आप आर्टिफिशियल देखो ना मैंने पूरा कलर्स थे ना हाँ तो मैंने बस ये इसको पहना होंगे. बाल खुले हुए होंगे, छोटा सा टीका अच्छा. ये है तो बहुत ही बारीक हाँ. सा टीका दूंगी, गले में कुछ नहीं होगा? नहीं कुछ नहीं. ठीक है लड़की है ना हाँ. तो इतना मैंने उसको डेकोरेट नहीं करना हाँ. यंग लड़की यंग लगे ओके सही है ना. तो मैं लग रहा है इसके साथ मांग वाले बाल अच्छे लगेंगे हाँ है ना. मांग वाले अगर किसी के ऊपर सेंटर पार्टिंग सूट नहीं करती है तो वो क्या करे पता नहीं. देखो मैं समझती हूँ सब सूट करता है हाँ. ये होता है कोई कहता है इसमें ज्यादा अच्छी लगती है हाँ. सेंटर पार्टिंग भी अगर नहीं सूट करती है आप छोटी मांग दें ये आप भले फ्लैट ऊपर से हल्का सा बैक कॉम्बिंग करके ओके, कर सकते हैं तो बेहतर लगे. और हमेशा अपने स्टाइल को चेंज करें, चेंज एक ही चीज देख देख के. और इवन फ्रॉम आपके जो गंजपन आता है लोग कंप्लेन होती तो हमेशा बालों का जो मांग का रुख है वो भी चेंज बदलते रहना चाहिए इधर से. बिल्कुल बॉडी आती है बालों में ओके. चलो जी आप अपना काम करो, मैं आ रही हूँ. नाजिर तुम्हारे पर तुम कौन सी बेस यूज करी हो अपनी मॉडल पर? अच्छा मैं जो यूज कर रही हूँ ना मैं यूज कर रही हूँ आज तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं सबको इतना महंगा महंगा बेस बताती हूँ थोड़ा सा कम प्राइस का भी होना चाहिए. तो मैं रेवलॉन यूज कर रही हूँ कलर शेड, दिस इज रेवलॉन टिंट. टेंट जो होते हैं ना हाँ, टेंट होते हैं बहुत ही थोड़ा लाइट होता है, लाइट होते हैं बहुत ही लाइट बेस. और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है हाँ. इसके साथ साथ मैं यूज करूंगी हिमानी का भी. अच्छा हिमानी की बेस? अच्छा बहुत अच्छी बेस है, वेरी नाइस, फुल कवरेज भी है. और साथ में ये है कि दो बेस का हमेशा मैं यूज करती हूँ. मैंने जो रेवलॉन यूज की वो थोड़ा सा लाइट कलर लिया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क कलर यूज करूँगी तो वो ब्लेंड हो जाएगा ओके. तो ये जो बेस है ये दोनों अच्छी, ये जरा सी कम कवरेज की है हाँ. वो जरा हाई कवरेज बेस है थोड़ी सी, ठीक है. तो ये दोनों यूज करने के बाद फिर पाउडर भी यूज करूंगी, पाउडर भी मैं हिमानी का यूज कर रही हूँ क्योंकि एक तो इनका मुझे टेक्सचर बहुत अच्छा लगा. अच्छा दूसरा इनके खास बात जो है वो ये है कि ये जो है ना ऑर्गेनिक है. अच्छा तो इसमें स्किन के लिए अच्छी, स्किन के लिए अच्छा. मैं आपने दोनों जोड़े देख लिए, अब मैं अपनी थर्ड एक्सपर्ट को बुला रही हूँ जो खुद भी बहुत अच्छे कपड़े पहनती है. और मुझे सबसे अच्छी इनकी बात लगती ये है कि ये हर तरह के कपड़े पहनती हैं, इन द सेंस कि जो कम खर्चे में भी खरीदे हों महंगा भी खरीदती हैं, लेकिन ये हर तरह के कपड़े पहनती हैं और हर तरह के कपड़े डिज़ाइन भी करती हैं. साथ ऑब्वियसली सैलून है तो बहुत अच्छा स्टाइल आपको करके दिखा सकेंगी कि इन जो कपड़े इन्होंने डिज़ाइन किया उसके साथ कैसा कैसी स्टाइलिंग कैसा मेकअप सब कुछ होना चाहिए. आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन. तुम भी लाइक एक जमाने में जब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम था तब तुम कर रही थी डिजाइनिंग, अब तो तुम माशाल्लाह तुम्हारे सैलून जितने सारे हो गए कि तुम बिजी हो गई हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे बताओ नादिया कि तुम लाइक जब अपने लिए करती थी स्टाइलिंग खुद कपड़े बनाती थी तुम देखती थी ज्यादा कि मेरे ज्यादा महंगे बने या बजट के अंदर है? कि मुझे लगता है तुम ऐसी हो कि बजट कंट्रोल करके चलती. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बजट के अंदर ही हाँ. और लेकिन यू नो मतलब मेरा जो अपना जैसे कि पर्सनल स्टाइल है वो मुझे पर्सनली लगता है कि बड़ा यू नो लाइक कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे जो है ना थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार ये टू मच हो रहा है. अच्छा तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अंडर शौक है थोड़ा ज़्यादा पहनने ओढ़ने का या क्या?
इतनी पहनने उड़ने का शौक है, लेकिन फिर ओकेजन के लिहाज से मुझे एट टाइम्स लगता है कि यार ये टू मच हो रहा है। अगर मेरे कोई बहुत करीबी रिश्तेदार की नहीं है, कोई थोड़े से दूर दराज के हैं, यू नो, तो उसमें भी मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं इससे थोड़ा सा कम पहन लूँ, क्योंकि मैं उनमें मुझे पर्सनली नहीं इतना फील होता। मैं कहती हूँ कि यार मैं ज्वेलरी हैवी पहन लूँ, मैं अपना, जैसे तुमने आज जो जोड़ा पहना हुआ है खुद का वो एक सिंपल जोड़ा, लेकिन तुमने सात नेकलेस पहन लिया, एक स्टेटमेंट दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जो है ना हैवी ज्वेलरी में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ना कि ये कपड़ों में मैं बहुत ज्यादा खर्च कर लूँ। तो ज्वेलरी डेफिनेटली आई रियली लाइक टू यू नो लाइक वेयर लवली पीसेज ऑफ ज्वेलरी, रिंग्स हो गई, इयररिंग्स हो गए, नेकलेसेस हो गए, यू नो, मतलब ज्वेलरी में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कपड़ों का मुझे होता है कि सिंपल स्ट्रेट रहे कपड़े, और एवर ग्रीन जैसे कहते हैं ना कि आप हमेशा उसको पहन सकते हैं। कि कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से आपको लगता है कि यार यू नो ये आउटडेटेड से हो गए हैं, लेकिन मुझे जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी चीजें प्रेफर मैं करती हूँ। तो वो सीधी कमीजें, सीधी पैंट हो, यू नो, जिस तरह की ये ढाका पजामा टाइप चीजें जो है वो मुझसे नहीं पहनी जाती। अच्छा, मैं नहीं पहनती सिगरेट पैंट्स, ये सब चीजें अट्रैक्ट करती। मतलब कि मैं लहंगे शहंगे एट टाइम्स, और अगेन लहंगा भी जो है वो मैं अगेन अपनी पर्सनली बात कर रही हूँ कि पर्सनली फॉर मी लहंगा इज समथिंग कि जो मैं खुद जो है वो कभी भी ना पहनूं, यू नो लाइक अनटिल अनलेस के बहुत कोई करीबी like भाई की शादी है, भाई की शादी कजिन की है, क्लोज बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी अगर एक थीम है। अच्छा, थीम सब है, पहनी है जी मेहंदी, सबने लहंगा पहना तो अच्छा चलो यार जबरदस्ती मैं पहन लूंगी, बेटियां मेरी पहन लेंगी, मैं यू नो अपनी बेटी को पहना दूंगी, लेकिन अब आके मैं जो हूँ वो नहीं लहंगा पहनूंगी। अच्छा, जब तक कि थीम ना हो। वरना ये कि आई प्रिफर कि अच्छा हाँ ठीक है मैं वही सीधे सीधे कपड़े पहनूं। सो इवन बचपन में यू नो लाइक व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग परहैप्स, फिर मुझे था कि यू नो लाइक हर किस्म के स्टाइल्स एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, लेकिन आई थिंक के 20s के बाद ऑल ऑफ अ सडन यू नो लाइक जस्ट थिंग्स जस्ट मतलब मुझे फील होने लगा कि नहीं यार यू नो लाइक ये भी मुझे सही नहीं लगता, अच्छा लगता है ये भी मुझे सही नहीं अच्छा लगता। तुम जो ज्यादा कंफर्टेबल होती है स्ट्रेट शर्ट और पैंट्स के अंदर, हाँ, सिगरेट पैंट्स, या जिस जमाने में सलवारें थी, नहीं शलवार वगैरह मुझे पसंद नहीं थी, नहीं एक जमाने में तो थी ना वो फैशन, नहीं थी, हाँ, लेकिन मुझे पसनी जो है ना वो मतलब शलवार में भी मुझे घेर कम चाहिए। ओके, मुझे मैंने कभी भी धोती शलवार मैंने कभी भी नहीं यू नो एंजॉय नहीं की मैंने धोती शलवार, क्योंकि मुझे यहाँ से फूला हुआ मुझे नहीं अच्छा। अच्छा, नादिया के हम डिस्कशन करेंगे, इनकी शॉपिंग सारा पैकेज आपको दिखाएंगे, इन्होंने भी अलग बाजार चूज किया, मेट्रो गल्फ के बराबर में तो वहाँ गई थी, ये जो है राबी सेंटर गई थी, वो कुर्तबा मार्केट गई थी, तो अलग अलग बाजार की इन्होंने पैकेजेस बनाए और अलग अलग जगह शॉपिंग की है। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको नादिया के डिज़ाइन के हुए कपड़े, और कितने में बने नादिया? 7,900 के अंदर एवरीथिंग, सिलाई बेलें फलाना ढमाका सब कुछ हो गया। तो आइए छोटे से वक्फे के बाद देखते हैं नादिया की क्रिएटिविटी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, देख रहे हैं आप आज आपको कितने सारे आइडियाज मिल रहे हैं, और आप अपने बजट में रहते हुए एक बहुत ही स्टाइलिश डिजाइनर जोड़ा बना सकते हैं। अंबर ने आपको अपने कपड़े डिजाइन किए हुए दिखाए, नाजिया ने दिखाया, और अब नादिया ने कैसे शॉपिंग की 7,900 में, नादिया ने जोड़ा कैसे तैयार किया, कैसे शॉपिंग की, आइए हम आपको नादिया का पैकेज दिखाते हैं। आज मैं आई हुई हूँ गल्फ शॉपिंग मॉल, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या मटेरियल अवेलेबल है और किस तरीके से जो है वो हम इस मुनासिब बजट में कौन सा कैसा जोड़ा बनाते हैं। तो चलते देखते हैं। दुपट्टा बहुत प्यारा है, कलर नहीं और हाँ बॉटल ग्रीन अच्छा है, बहुत अच्छा कलर है, ये सेम है, ये दोनों सेम है लेकिन कलर में फर्क है बस। अभी दुपट्टा फाइनल हो गया है, अब आप मुझे ये दुपट्टा दे दें, लेकिन अब ये दाम सही देना आखिरी तो आपके लिए 1400 करेगा सर। चले फिर ये दे दे दुपट्टा। अच्छा खान ये लो, मुझे बताएं अब ये है कलर, ये कलर के साथ मुझे जो है ना आप कुछ मैचिंग दें। हाँ ये दिखाएं, ये सही है बिल्कुल, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। कितने का आप दे रही हैं मुझे? सेम
200 पर यार, 500 की आपको शमीज पड़ेगी पूरी। तो आपने डबल कर दिया? डबल नहीं किया, कपड़ा अच्छा दे रहा हूँ। मेरा दुपट्टा हो गया है, कमीज का कपड़ा हो गया है और लाइनिंग हो गई है। अब मैं लेने जा रही हूँ सिर्फ पैंट का मटेरियल। मुझे जो है ना इसके साथ मैचिंग आप बनारसी की पैंट दे दें, ये बनारसी में। फिर यही दे दें। कितने का है ये? पर यार 300 रुपये गज जनाब। 300 जी। तो पैंट के लिए मुझे 250 गज पैंट के लिए। जी जी। तो 750 का पड़ेगा आपको। 750 56-50 का मेरा बजट हुआ है। तो मेरे पास काफ़ी अभी यू नो 4,450 रुपये मेरे पास अभी भी हैं बाकी। अभी जो है वो हम लेस की दुकान में जा रहे हैं। मुझे सिर्फ गले के लिए एक छोटी सी लेस चाहिए ताकि मेरा आउटफिट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे जो है ना एक गोल्डन टाइप में इस कपड़े के साथ गले के लिए लेस चाहिए। ये वाला दे, कितने का एक गज? 250। हाँ 250। चलें जी अब हम चलते हैं दर्जी के पास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अब मुझे कल तक जोड़ा चाहिए? मिल जाएगा कल पक्का तक ना? हाँ चलें ठीक। ये इसकी कमीज आस्तीन, ये बेल सिर्फ गले में आएगी और ये है इसकी शमीज और ये इसकी पैंट। फिटेड चाहिए बिल्कुल अच्छी खूबसूरत फिटिंग के साथ, ठीक है ना? जितनी फिटिंग अच्छी होती है ना उतना बंदा ज़्यादा बेहतर अच्छा लगता है, ठीक है ना? चलें फिर आपको एडवांस में दे रही हूँ 1,000 रुपये, ठीक है ना? बाकी आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है? ओके जी। सो अब मेरा जो आउटफिट जो मैंने सब कुछ ख़रीद के और फाइनली दर्जी के हैंड ओवर कर दिया है, टोटल बजट मेरा बना है 7,650 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जोड़ा मैं अब बनवाने जा रही हूँ। अब आप फाइनल लुक देखेंगे इस प्यारे खूबसूरत जोड़े के। सुबह जो आई है तेरी बल्के झुमके हवा के साथ झुमके गोल गोल घूमके। वाओ मतलब वाओ जबरदस्त जोड़ा 7,900 रुपए में। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतना खूबसूरत जोड़ा तैयारी हुई है और फिटिंग तो बड़ी कमाल है। तो अच्छा नादिया हम जरा दोबारा से लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ। मुझे ये बहुत अच्छी बात और आइडिया लगा कि ये दुपट्टे बने बनाए भी मिल रहे हैं क्या? हाँ, तुमने शॉपिंग कहाँ से की? मैंने की गल्फ के बिल्कुल बराबर में मेट्रो है। हाँ। मेट्रो के बेसमेंट में। ओके। तो मेट्रो के बेसमेंट में जैसी मैं एंटर की तो मुझे ये बने बनाए लहंगे भी नजर आए, लेकिन लहंगे वहाँ पे थोड़े से इससे डिफरेंट थे। हाँ। थोड़े से ज्यादा फैंसी थे तो वो थोड़े से ज्यादा महंगे थे, तो मुझे लगा कि नहीं यू नो ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है तो, और मुझे लहंगा नहीं चाहिए था। अच्छा। तो मैं अपने ही स्टाइल के लिहाज से कपड़े बनाना चाह रही थी। Okay. कि जैसे कि मैं खुद पहनना पसंद करती हूँ कि ये जोड़ा मैं वापस लेके जा रही हूँ। ये मैं बता रही हूँ मैं खुद पहनूंगी। तो मैं अपने स्टाइल के लिहाज से मुझे सीधे सीधी चीजें थोड़ी सी पसंद है, यू नो स्ट्रेट पैंट्स स्ट्रेट कमीज। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन जब मैंने ये दुपट्टा देखा ना शुरू में बहुत अच्छा है, तो ये दुपट्टे में मेरा दिल आ गया। अच्छा, मैंने कितने का था दुपट्टा? 1,500 का था ये दुपट्टा। आप जस्ट इमेजिन अगर आपके पास बजट नहीं है, 1,500 का दुपट्टा है, प्लेन जोड़ा लेके भी सिलवा के पहन लो यार, और ज्वेलरी अच्छी पहन लो, ज्वेलरी आप खूबसूरत अपने सोने का सेट निकालो भाई जो लॉकर में रखा है। सो ये दुपट्टा जब मैंने देखा ना 1,500 का, फिर मैं बराबर की दुकान में गई, मैंने ये सीक्वेंस का कपड़ा था, ये इसका बॉर्डर है, ये कपड़े का ही बॉर्डर है ये, ठीक है? और ये ऊपर से जो है, एक मिनट, नहीं मुझे समझ आया कि ये क्या था, ये कपड़ा एज इट इज है, ये कपड़े में कोई जोड़ नहीं है, ये बॉर्डर वाला ही कपड़ा है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो, अच्छा मुझे स्ट्रेट लाइनें भी पसंद है, मुझे ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिल गया कि
सीधी सीधी लाइनें भी मुझे मिल गई, मुझे ये बना बनाया बॉर्डर, क्योंकि ये कपड़ा ही ये एज इट इज था। आस्तीनों में भी तुमने बॉर्डर, तो ये वही वाला जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा था, ये वाला कपड़ा, सॉरी थोड़ा सा नीचे, ये वाला जो कपड़ा था ना, ये वाला कपड़े का बॉर्डर का ही जो है मैंने आस्तीन बनाया। और इसके अलावा फिर कलर तुम्हें कैसे एक से जैसे मिल गए? मतलब ये नहीं, कलर नहीं मिला मुझे, डाई कराना पड़ा, कलर नहीं, कलर नहीं मुझे, कलर जो ये इसका कपड़ा था ना, ये वाला, ये थोड़ा सा लाइटर ग्रीन था। अच्छा। तो मैंने उसने चलाकी क्या की कि ये जो रॉ सिल्क जो है, ये उसने मुझे रॉ सिल्क का गहरा ग्रीन मुझे, क्योंकि अच्छा ये गहरा ग्रीन जो है ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा था, लेकिन ये गहरा ग्रीन क्योंकि ये लाइनिंग गहरी ग्रीन हो गई, तो वो पूरा का पूरा मैच हो गया जोड़ा। वेरी गुड आइडिया। अब जो है वो मैंने फिर बिल्कुल सीधी, बिल्कुल प्लेन जामा बार की पैंट इसके साथ रखी है और एक सिंपल सी ये बेल लगाई। अच्छा, मुझे क्योंकि ये नीचे स्कैलप्स आ रहे थे यहाँ पे जो ये स्कैलप्स आ रहे हैं, यही चीज मुझे स्कैलप्स गले में भी चाहिए, तो फिर मैंने एक गज की जो है ये लेस ले ली। मैंने कहा ये स्कैलप अंदर की तरफ मुझे लगा के दो, कि ये स्कैलप जो है ना पूरे गले के अराउंड जो है इस तरीके से ये स्कैलप आए। तो अब मैंने इसको ज्वेलरी पहना दी है। ये ज्वेलरी मेरी एक दोस्त है धमाका ज्वेल्स के नाम से, तो मैंने कहा कि ज्वेलरी थोड़ी सी इसको हैवी पहना दूं। तो जोड़ा भी हैवी प्रॉपर अच्छा बन गया यार। 7,900 में विद सिलाई एंड एवरीथिंग, मतलब क्या। और आपको चाहिए दुपट्टा भी, देखिए पूरा ये मतलब भरा हुआ 1500 का आपको दुपट्टा मिल गया, इसमें ये बेल भी लगी हुई, सब कुछ, किरण भी, कुछ एज इट इज, ओह माय गॉड, इज रेडी। अच्छा, इसके पास कलर्स और थे, मैं सोची थी कि अगर मुझे गोल्डन मिल जाता, रेड मिल जाता, मुझे लाइट ग्रीन मिल जाता, मिंट मिल जाता, पर्पल मिल जाता, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ये पिस्ता ग्रीन था, ये जो मिंट ग्रीन था, या फिर इसके पास पता नहीं मुश्किलों से मैंने ये ग्रीन दुपट्टा बिक गए होंगे ना। हाँ, कहते हैं कि जी मेहरून था, रेड था, गोल्डन था, मैंने कहाँ गए वो दुपट्टे, लेकिन वो नहीं थे। अच्छा, अब ये देखिए आपको, आप मतलब डिजाइनिंग देखें तीनों की अलग अलग। नाजिया ने पहले शरारा खरीदा और उसको देखते हुए उसने दुपट्टा और शर्ट डिज़ाइन की। जो नादिया है, नादिया ने पहले दुपट्टा खरीदा और उसने दुपट्टे से अट्रैक्ट होके फिर पूरा जोड़ा डिज़ाइन किया। वाइस वर्सा अंबर जो है, अंबर ने पहले शर्ट का कपड़ा लिया और फिर उसके बाद उसे ये डिज़ाइन किया। पहले से तुम सोची गई थी कि मैंने अंगरखा डिज़ाइन, नहीं नहीं वहीं जाके तुम, मैंने कहा ना अजीब सा, पहले घूमो, मुझे आदत है घूमती हूँ, मैंने कहा एकदम से, मैंने कहा नहीं यार अब मैं क्या लूँ चमक धमक वाला, मैंने कहा नहीं, मुझे कलर और ये कपड़ा चीपनेस होती तो नहीं लेती, ये बड़ा अच्छा लगा, बाहर वाला लगा। अच्छा, मुझे एक मिनट इसका मटेरियल बताओ, ये इसका क्या दुपट्टे का मटेरियल क्या है? सिंथेटिक वो है, जॉर्जेट है। अच्छा। ये पतला सा जो शिफॉन जॉर्जेट होता है ना, ये वो कपड़ा है। ये कौन सा है? और ये जो है ये नेट है, ये नेट है, ये नेट है, और जो जो पैंट है वो जामावार है। okay. और इसकी लाइनिंग सबसे, मैं कहती हूँ सबसे महंगी जो इसकी चीज थी ना, जो गज के लिहाज से महंगी थी, वो इसकी लाइनिंग थी, क्योंकि वो प्योर रॉसेल थी। और कलर तुम्हें मिल गया ना? कलर मुझे मिल गया, और उसने कहा कि नहीं बाजी ये क्रेप में भी नहीं है, ये शामोस में भी नहीं है, ये इसमें भी नहीं, आपको सिर्फ रॉसेल पे मिलेगा। ओके, 5650 जो था वो सारा कपड़ा था 5650 का, इंक्लूडिंग द पैंट, इंक्लूडिंग द लाइनिंग, और ये कमीज का कपड़ा एंड दुपट्टा, ये 5650 का था। okay. और फिर 250 रुपए की ये बेल थी। हाँ. तो ये हो गया 5900, और फिर 2000 की स्टिचिंग थी, और वो भी खैर 2000 का था क्योंकि यू नो लाइनिंग वाला जोड़ा। अच्छा, था यार, मतलब कि तुम लोगों की ये डिजाइनिंग देख के ना मुझे एक और आइडिया आ रहा है जो कि हमें करना है। यार देखो, हर कोई महंगा ब्राइडल जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ. क्यों ना एक शो हम ऐसा करें कि ब्राइडल जोड़ा एक अच्छे बजट में तुम लोग, क्योंकि यार इतने लाखों के हैं, हर कोई तो नहीं इतना महंगा महंगा जोड़ा अफोर्ड कर सकता। एग्जैक्टली आप, क्योंकि ये तुम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई इतना खूबसूरत, इतना अच्छे से अच्छी चीज जो है, स्टाइलिश जो है, वो तुमने 7,900 में बना दी, इन लोगों ने 10-10 के अंदर बीच में बना दी, सिलाई एंड एवरीथिंग। तो हम क्यों ना अपने मतलब व्यूअर्स की हेल्प इस तरह करें कि हम नेक्स्ट वाला जो प्लान करें ना, वो ब्राइडल जोड़ा के साथ
मतलब आपको डिजाइनिंग करता है। अब मेरा ऑलरेडी जहन में मैंने कंसीव कर लिया, प्लीज आके मेकअप शुरू करो। मैंने कंसीव कर लिया था, और बल्कि मैं इनसे कह रही थी यार छोड़ो ना मॉडल को, मैं खुद ही तैयार होंगी, मैं अपने नाम का सिलवाऊंगी मुझे, क्योंकि एक चीज़ आप विजुलाइज कर लेते हैं, मैं अपना वो कर लेती हूँ। भाई देखो जहाँ तुम डिजाइन करोगी तुम्हारा एक टेस्ट, तुम्हारी झलक नजर आएगी। यहाँ नादिया की झलक नजर एग्जैक्टली, इधर जो है नाजिया की झलक नजर। मैंने बताया ना कि मैं पहनती ही ये घाघरे चादरें, जो कोई स्कर्ट और तुम्हें ये फ्लोई चीजें अच्छी, फ्लोई चीज अच्छी लगती है, बस एक शुरू से होता है ना वो एक। तो हमें तीन डिफरेंट आइडियाज आज के शो में मिले, अब मेकअप के आइडियाज भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। हाय नादिया, नादिया ने दरख्त पे चढ़ा दिया मॉडल को। अच्छा अब मैं तुम्हारी बेस की तरफ आ रही हूँ। तुमने मुझे कहा कि तुमने आज बेस यूज की है। हाँ, हिमानी की और मैंने मिलाकर यूज की, दोनों बहुत हाई कवरेज नहीं है, दैट्स नाइस सॉफ्ट। उसके बाद तुम आई मेकअप को थोड़ा गाइडलाइन दो, क्योंकि आई मेकअप को भी देती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं बताती हूँ मैंने दो से तीन तरह के जो है, दो तरह के मैंने इसमें वो यूज किए हैं कंसीलर्स। अच्छा, एक मैंने एस्टी लॉडर का यूज किया, अच्छा, जो मैंने आंखों के नीचे लगाया और जहाँ मुझे लग रहा था कि हल्के से स्पॉट्स वगैरह वहाँ पर। अच्छा, और फिर मैंने टार्ट का यूज किया वो जगह पे जहाँ मुझे हाईलाइटनिंग करना, मतलब जगहों को उभारना था। अच्छा ठीक, तो मैंने यहाँ पर इधर उधर लगाया। अच्छा, मैंने इनकी कॉन्टोरिंग बिल्कुल नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी वेरी छोटा सा फेस है, तो मैंने पिंक ब्लश ऑन से ही इनका जो चेहरा है उसको मैंने ब्लश ऑन से। हालांकि देखो मेरा चेहरा थोड़ा चौड़ा है, लेकिन मैंने ये सीखा है अब कि जब मैं शादी में जा रही हूँ ना तो मैं कॉन्टोर नहीं करती, पिंक मैं पिंक से ही उसको इस तरह लगाती हूँ, क्योंकि आप जब पतली बेस लगा रहे हो चेहरा हार्श लगता है, तो मैंने तो ये प्रैक्टिस कर ली। और मैं अभी उसकी मिनाल की शादी पे गई थी, तो मेरी तस्वीरें सही आई हैं, बहुत अच्छी लगी मैंने देखा, मैंने खुद ही मेकअप किया हुआ था, मैंने शहजादी ने मेरा आई मेकअप वगैरह कर दिया था हल्का फुल्का, तो बाल बन आ गई थे इसने मेरे, बाकी मैंने तो खुद किया, तो और उसमें मैंने कॉन्टोर नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। और इसमें मैं क्या करती हूँ कि अपने लिए से मेरा अगर चेहरा थोड़ा सा यहाँ से हैवी आता है, तो मैं यहाँ के लिए ब्लश ऑन जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा यूज करती हूँ जो कश्मीरी डार्क कलर हो, तो वो यहाँ लगा लेती हूँ और यहाँ पर पिंक सा। ओके, वो आपको कॉन्टोर की भी जरूरत नहीं होती, वरना दो तीन तरह के ऐसे सॉफ्ट कॉन्टोर जिनको मिक्स करके बर्गंडी ब्राउन बेज इनको मिक्स करके देखो ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी रिसेंट शादी मिनाल की हुई है ना, तो मिनाल की शादी पे इकरा ने इतना प्यारा मेकअप किया हुआ था, और अपना एमन का मेकअप भी बहुत प्यारा था, कोई कॉन्टोर नहीं थी, तो सॉफ्ट लुक था। मैं आपको दिखाती हूँ, जरा दिखाएं, पार्टी मेकअप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सारा सैलॉन पे मेरा ख्याल से एमन तैयार हुई थी, और आप देखिए बहुत, मतलब ये इस वक्त तस्वीर फिर भी थोड़ी वो लग रही है, लेकिन सामने से देखने में जो है ना वो बहुत हल्का सॉफ्ट मेकअप था, सारा का ही था। हाँ, सॉफ्ट बहुत था। अब इकरा ने जो है उसे ज़रा बेस प्रॉपर अच्छी लगाई हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियाँ भी है, लेकिन कॉन्टोर उससे भी हैवी। आई डोंट नो इकरा का, शायद जैन ने किया था, उसने बताया था मेकअप, लेकिन जो है इकरा का इतना प्यारा लग रहा था, पूरा फेस उसने मैट रखा था, और उसने लिपस्टिक हल्की ग्लॉसी दी हुई थी, तो वो भी मुझे एक आइडिया अच्छा लगा कि अच्छा। और आमना इलियास का मेकअप दिखाओ, अभी रिसेंट मेरा ख्याल से माइयों का है हमारे पास। हाँ, मैं नाल की माई को बाल खुले हुए हैं गरारे के साथ, कपड़ों का कॉम्बिनेशन भी देखे हैं, ब्लू और आई गेस ये रोज़ीना मुनीब का जोड़ा था। हाँ, ये रोज़ीना मुनीब का जोड़ा था, ये किसका है, ये सबूर। हाँ, सबूर ने साड़ी पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो आजकल अलग अलग चीज़ें इनमें बहुत, और आप सेलिब्रिटीज़ को देखकर ही ये चीज़ तय करते हैं कि अच्छा हम ये पहनेंगे हम वो पहनेंगे, है ना। अच्छा, मुझे आई मेकअप को थोड़ा गाइडलाइन दोगे? बिल्कुल, मैं गाइडलाइन दूंगी। मैंने आई मेकअप में सबसे पहले जो है कंसील कर दिया था आई को, उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत ही सॉफ्ट से शेड से इसको जो है इसके लिड को कवर किया। मुझे दिखाओगी कौन सा शेड है जो तुमने सबसे पहले लिड, तुमने एक आउटलाइन बनाई है ये लिड। हाँ, ये मैंने सबसे पहले ये वाला कलर यूज़ किया था पूरी आँख के ऊपर, पूरी लिड के ऊपर, आँख के ऊपर, लेकिन जो हाईलाइट किया था वो मैंने इस कलर से खत्म होने वाला। वो बताएं जो साथ साथ आए प्लीज। हाँ, okay. सबसे पहले तुमने, सबसे पहले मैंने ये कलर यूज किया, ठीक है, वेरी लाइट बेज सा। ओके, देन आई यूज दिस कलर, थोड़ा क्लोज जाए जरा। हाँ, क्योंकि मुझे ये कौन सा कलर है ये एक्चुअली ये गोल्डन साइज शिमर साइज इसी टाइप का कलर, बट इन गोल्ड, दिस इज सिल्वर। अच्छा अच्छा, फिर मैंने यूज किया इस कलर को और इस कलर को मिलाकर, कौन से कलर को, ये कलर, ये थोड़ा डार्किश कलर है एंड बेजिश सा, मिलाकर इनका जो वो है क्रीज लाइन है वो थोड़ी प्लम्पिश लुक आ गई। हाँ, तो थोड़ा सा ये प्लम्प सा लुक आ गया।
अगेन द क्यूटर लुक ठीक है क्योंकि शी इज ऑलरेडी वेयरिंग पर्पल सो आई डोंट वांट टू गिव अ ब्राउन या कुछ ऐसा कलर ना तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया मैंने इनको तुमने बेसिकली पिंक का ही थोड़ा सा डर्टी पिंक टाइप शेड उठा के तुमने इसकी क्रीज बनाई एग्जैक्टली फिर क्या किया कि फिर इसको मैंने ये एक आता है बेसिकली इस आई बेस ठीक है अच्छा फिर आई बेस मैंने यूज किया इनकी ये जो आंख है ना पूरी यहाँ पे मुझे इतनी आंख में गोल्डन चाहिए अच्छा फिर मैंने क्या किया कि गोल्डन ये यूज करने के बाद मैंने इग्नोर का ये आता है ये तो खत्म भी हो गया लेकिन ये शिमर है शिमर ठीक है okay. फिर इसके बाद मैंने शिमर जो है ये आंख के ऊपर यूज किया अच्छा मुझे बताओ शिमर लगाने से पहले लाइनर लगता है या शिमर लगाने के बाद लगाने के बाद और शिमर लाइनर वाली जगह पे नहीं 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 लगाओ कुछ नहीं होता लाइनर बाद में वो लग जाता है क्योंकि मुझसे कभी कभार जो है वो ऐसा होता है कि ऑयल बेस लाइनर यूज किया या फिर तो पहले मैं क्या करती हूँ कि उसको वाटर बेसिक लाइन दे देती हूँ क्योंकि वो जरा मुश्किल होता है बहुत ही थिक करके और उसके बाद फिर उसको ऑयल बेस आप ऑयल बेस तो उतरता ही नहीं वैसे प्रॉब्लम ही नहीं होती आपको जो एक लाइनिंग टाइट लाइनिंग देनी होती है वो ऑयल बेस से करें अच्छा फिर मैंने इसके ऊपर पहले गोल्डन रंग का ये देखें दो शेड्स हैं गोल्डन रंग का दिया देन आई यूज्ड द सिल्वरिश गोल्ड कलर ठीक है इसके लिए अब मैंने इसको इनको लाइनर दे दिया लाइनर देने के बाद अब मैं लैश लगा दूँ आप लैश लगाओगी तो फिर वो एक लुक अच्छा तुम इसको और ब्लेंड करोगी जो शिमर लगाया है या यही नहीं इट विल बी लाइक दिस क्योंकि जब इतनी हैवी लैशेस लग जाएंगी ना तो थोड़ा सा नजर आएगा नजर इस वजह से फिर उसको थोड़ा सा इंटेंस रखना पड़ता है वरना अगर पिगमेंट स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो नजर वो तो ब्लेंड हो जाएगा वो तो ब्लेंड हाँ ठीक है ओके हाँ मैंने मैंने मीनाल की शादी पे ऐसा वाला मेकअप किया था तुम्हारा वाला अच्छा हाँ मैंने मैंने भी शिमर ना यहाँ बीच में ऐसे ही लगाया वो फिर वो नजर आता है थोड़ा ना आपके ऊपर वरना तो वो और फिर शादी पे आप जा रहे हैं ना थोड़ा तो आप मेकअप करें ऐसा कि नजर आए हाँ अच्छा तुम क्या कह रही हो नादिया मैं कह रही हूँ कि मैंने बेस वगैरह जो है वो अपना फ्रेश आ रही है यार मजे की बेस आ रही है सो ये मैंने किया है मेरा जो अभी नया जो निकला है जो मैजिक क्रीम कॉम्पैक्ट है इसके अंदर मैंने कलर किया है प्रिटी मैंने फुल फेस पे किया मैजिक क्रीम से फायदा ये है कि लाइक क्रीम की तरह ये क्रीम मैंने जो है ना ये ब्लेंडर पहले सबसे पहले तो खैर मैंने प्राइमर लगाया प्राइमर क्योंकि इनकी स्किन अभी यहाँ एसी वेसी भी थोड़ा सा तेज है तो स्किन ड्राई हो जाती है ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है थोड़ा सा मैंने प्राइमर पहले लगा के ताकि स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाए फिर मैंने प्रिटी लगाया ड्राई स्पंज के साथ अच्छा और उसके बाद अंडर आईज पे मैंने नॉटी लगाया वो सिर्फ अंडर आईज पे हल्का सा उनको थोड़ा सा ब्राइटन करने के लिए फिर मैंने पाउडर किया पाउडर के बाद अब जो है वो मैं अपने ये जो ब्लिंग ग्लैम फेस कॉन्टोर 4-in-1 पैलेट है अच्छा इसमें कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर सब है सब कुछ है तो इसी के साथ जो है वो मैंने अब इनको कॉन्टोर किया है फ्रेश क्यों लग रही तुमने नाक पे क्या लगाया ऐसे ना फिर एक फ्रेश लुक आ रही है सर्दियों में नहीं नाक लाल हो जाती है अभी किया है इसीलिए अच्छा और अभी मैं जो हूँ वो इनका हाइलाइटर हल्का हल्का सा लगा के ताकि ये कि मैं पहले जो है ना वो हल्का सा हाइलाइटर लगा लेती हूँ और बल्कि मैं इस ब्रेक के बाद जब आते ना तो आई मेकअप पर तुम्हारा सीखते हैं ठीक है ना छोटा सा वक्फा जी वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान तो जी उफ कितना मजा आ रहा है मुझे देख कर कि ये देखें एक ऐसे लाइक बजट में आप अच्छे से तैयार होकर जा सकते हैं कि आपकी सब तारीफ भी करेंगे किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि इतने पैसों में बने कपड़े बताने की और देखें मेरा ख़्याल से इस बजट को जो अक्सर आप सोच रहे थे शादी का जो बजट है जी वो तो 15-20-25 पता नहीं कितने आपको फिर आपने अपने भी बनाने हैं आपने बच्चों के कपड़े भी बनाने एक अच्छा अमाउंट आपको चाहिए होता है अपनी करीबी लोगों की शादी पर तो कपड़े बनते ही हैं नए ख़ास तौर पर एक आस लगाए बैठी होती है बेगमात जो हैं मैं आपको दिखाऊं अंबर की अंबर भेजो ज़रा मॉडल हाँ दुपट्टा भी आ चुका है अंबर ने बड़ा डिफरेंट दुपट्टा यूज़ किया है हाँ आ जाओ लेकिन इसके साथ जैसे अगर आपको थोड़ा और आपके पास बजट है शॉकिंग पिंक चटापटी ब्राइट एकदम ना चटापटी का कपड़ा दुपट्टा भी बना ज़रा ये ज्वेलरी से कर दिया ठीक है देखें अंबर की तैयारी पूरी हो चुकी तुमने बाल खुले रखे थोड़े से आगे खोलो उसको नीट कर लो ताकि नजर हाँ यूँ कर ले या थोड़े से मांग निकाल कर थोड़ा सा बैक कॉम करके ये वाले बाल स्टाइल अच्छा लग रहा है अंगरखे पे अब अगर तुम्हें इसको बाल बांधने होते तो तुम अंगरखे के साथ कैसे बाल बांधती
फिर मैं इसके अगर बांधने होते हैं ना, मैं इसके आड़ी मांग निकाल कर साइड की देती, हाँ आड़ी देके, और ये यहाँ गिरता और लूज लूज इसको मैं यूं कर करके ना, होता है ना जैसे बच्चियों को डांस करना है, लुड्डी डालनी है कुछ, तो वो अब खुले बालों में डिस्टर्ब नहीं, और फिर मैं थोड़ा सा वो करती अनटाइडी से हल्के साइड में और ये यहाँ पर अब यहाँ छोटे छोटे से दिखाओ जरा, दोनों बाल एक तरफ लेकर आओ, तुम क्या करती जरा देखो, थोड़ा सा आइडिया दो, ये है अब अगर चलो हम लोगों ने साइड करती तुम, हाँ अब डांस करना है तो मुझे बाल बीना है तो ये करके ना तुम ये भी कर सकती थी, ओके मरोड़ी बना के पीछे ले गए बाल, हाँ कि मुंह पे ना आए ना, ये भी अच्छे लगते मरोड़ी वाले बाल, ओके ये पिन अगर हो हाँ, और यहाँ से भी करके ओके, फिर मैं समझ आ गई, हाँ ये यूं करती, इससे बड़ी गर्ली बड़ी क्यूट की लुक आएगी, ऐसे नहीं दोनों तरफ मरोड़ी बनाएगी ना, यहाँ पे भी बनाऊंगी, अभी तो वो पिंस नहीं है ना, तो मैं ऐसे तो बना दो यहाँ से लेके, और ये देखो ये दोनों तरफ की मरोड़ी ऐसे बन जाती और ये आपके बाल सिमटे रहते, मुंह पे नहीं आते, आप सारे एक्सप्रेशन जो देने थे और ये सारे पीछे से लेकिन ये कह रही है कि अगर जो है साइड की जैसे किसी पे सेंटर मांग नहीं सूट करती तो साइड की मांग में भी आप इधर देखो, ये तो पोनी चुटिया दे सकती थी, ये देखिए मैं देखा, हाँ बिल्कुल ऐसे भी हो सकता था, ये अभी देखिए इसके साथ वो ये परांदों वरांदों का फैशन अब खत्म हो चुका है, जो नहीं एक परांदे हम डाल लेते थे रंगीन परांदे वो नहीं अच्छे लगते अब, अच्छा मैंने तो, इसको जो ना वो भी किया है, या तो अगर परांदे बांधने हैं तो ऊपर से काले हो और नीचे से कलर हो, नहीं मर्जी है अगर बिल्कुल उसको देना है अनारकली टच, तो टीके के साथ हल्की से बैककॉम्बिंग अच्छी चुटिया परांदे के साथ, परांदे नहीं तो कोई भी ना जैसे कि ये इसके बनवाती मैं ये गोटा कपड़ा लेके, अक्सर बालों में गोटा भी लेस लगाती, लेस लगा कर और नीचे कलरफुल परांदा देती, तुम समझी, चुटिया भी पूरी इसको डिजाइन करके तो डांस करो पीछे अच्छा और अच्छे कलरफुल टसल्स देती है, तुमने लाइट पीछे आगे चले जाओ, मैंने कोई कंटूरिंग नहीं दी, बाल इसके वैसे ही कर दो जैसे करने थे ताकि तुम ताकि इसके फिर एक पूरी लुक फाइनल लुक दिखा दें, फिर उसके बाद में नेक्स्ट की तैयारी पे आऊंगी, ठीक है जरा मैंने इतनी बैक कॉमिंग नहीं दी इसको, तुम्हारे में हो गया मेकअप, वाओ तुमने बहुत सॉफ्टर इस लुक इस रखा है, वो मैं देख रही हूँ बड़ा टिंट वाला, क्योंकि वो जोड़ा डार्क ग्रीन है, फेयर तुमने बेस दी है ना, क्योंकि अक्सर डार्क ग्रीन में हम लोग हल्के हल्के डस्की लग रहे होते हैं, हमारा टैन लग रहा होता है कलर, तो बेस तुमने फेयर रखी ताकि इस काई ग्रीन कलर में जो है वो आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइटन लगे, डल ना लगे, ठीक है अब हम जा रहे हैं नाजिया, तुम्हारे अभी बाल बन रहे, बस थोड़ा सा रह गया हल्का, अच्छा है वो, तुम बाल बांध रही हो या क्या कर रही? नहीं नहीं मैं इसको ऐसे छोड़ूंगी लेकिन बस कुछ टेक्निक्स हैं वो करके ताकि वो बैलेंस हो जाए, अभी मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके हम मेकअप को देख सकते हैं जो शिमर है लैशेस लगने के बाद, इतनी मजे की लुक आ रही है, लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है, पिंक लिपस्टिक है जिससे फेस फ्रेश लग रहा है, ये भी डार्क जामनी भी कलर है, अगर आपका हल्का सांवला रंग है तो आपको बहुत डल दिखाता है ये, तो उस पर आपको ब्राइट लिपस्टिक या कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे, और आपकी आपने बेस भी फेयर रखी है, फेयर रखी है, फेयर थी भी है, तो मैं इसको इसका रंग जो है वो टैन नहीं किया, इसको फेयर ही रखा, और मैं टू मच जो है ना इसको बाल जो है ना वो आगे नहीं लेकर आऊँगी, सिर्फ मैं इसलिए कुछ जो है ना लड़ियाँ आगे रखूँगी, उसकी वजह ये है कि जब शरारा पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ बिखरे बिखरे बाल ना हो,
जरा से आपको बस सिमटे हुए हो, एक यहाँ से भी बॉडी है पर यहाँ से बट इट शुड बी लाइक थोड़ा सा एक एक रफ सा एक वो लुक जो है ना बस हुआ है. लेकिन बाहर मैं अक्सर मना करती हूँ कि बाल जो है ना बहुत ज़्यादा आगे आगे ना रखे जब आप भारी जोड़ा पहने, बस इतना जो है ना देखो लुक जो है वो, क्योंकि ज्वेलरी भी है. एग्जैक्टली हाँ. नज़र तो आए ना, मैं ज्वेलरी भी पहनी है, आउटफिट हाँ. भी पहना हुआ है, तो एटलीस्ट वो नज़र आना चाहिए. दैट्स इट, बस दिखा दें इनको. हाँ प्लीज़ आ जाओ, ये वॉक प्रॉपर लुक तैयार. 10,000 के अंदर अंदर आप देखिए कितना खूबसूरत जोड़ा और सब तैयार है. दूसरा ऑप्शन मैंने लैशेस को बहुत नेचुरल, क्योंकि आपको जब आप शादी में जाते हो तो कॉन्टोर इतनी थोड़ी करनी चाहिए. नहीं, और लैशेस में बहुत इसको मैंने हल्की वाली थी ताकि हाँ उतर गई तो एक अलग ही डिफरेंट, मतलब हैवी नहीं थी, हैवी नहीं थी, लाइट थी. डिपेंड करता है आपको कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है. यहाँ दिखाएगा प्लीज. तो ये हमारी हो गई दूसरी लुक. तीसरी लुक नादिया की है. नादिया ने झूमर टीका बुंदे बुंदे सब पहनाए. भाई करीबी की शादी है, जोड़ा 7,900 का तैयार है. ज्वेलरी वूलरी सब पहन के प्रॉपर भाई फुल लड़की हमारी तैयार है. और ये देखें, ये वो कपड़े भी हो सकते हैं जो आपने बरी में दुल्हन को बना के देने हैं और उसमें अपनी शादी के बाद पहनने हैं कहीं और किसी और जगह, या आप जो आप अपनी बेटी के लिए कपड़े बनाते हैं ना जो, वो उसके लिए भी आप ये तैयारी कर सकते हैं. क्योंकि आपको आपको चौथी वौथी की तकरीब के लिए, क्योंकि आपको ज़ाहिर है अपने बजट को कंट्रोल करना होता है. आओ रिदा, रिदा का पूरा एक लुक आपके सामने मुलायजा है, इंक्लूडिंग हील्स एंड एवरीथिंग. हमारी तीनों जो कपड़े डिज़ाइन किए हुए थे, मेकअप, ये सारे आपको आइडियाज़ तीनों मिल गए. एक ने स्ट्रेट पैंट्स पहनी, एक ने अंगरखा या आप उसको अनारकली कह लें, और एक ने शरारा पहना है. तीन ऑप्शंस हैं. ये पूरा लुक 7,900 में हुआ है तैयार. और इसकी ज्वेलरी जो है वो धमाका ज्वेल्स. अच्छा हाँ ठीक है. और ये वहाँ दिखा रहे हैं आप, ये वाला 10,000 के अंदर अंदर तैयार हुआ है पूरा, स्टिचिंग एंड एवरी थिंग पूरा. आपने देखा पूरा पैकेज. और साथ ये वाला भी जो आप अंबर का है, ये भी तैयार 10,000 के अंदर हुआ है. एवरी थिंग इंक्लूडिंग बेलें, टसल, सिलाई, दुपट्टा, एवरी थिंग. ठीक है. अच्छा, अब मैं तुम तीनों से कुछ सवाल करूँगा. हाँ, हाँ, देखो ये तो हो गया गर्ली, एक हमारी जैसी मतलब थोड़ी सी लाइक बल्कि नहीं है खातून, नॉर्मल वेट है, हमने ये कपड़े बना लिए. अब हमें गाइडलाइंस तुम थोड़ा दो कि लाइक अगर थोड़ा वजन बढ़ा हुआ है तो क्या पहनना चाहिए, तो कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, ये हमें गाइडलाइंस दो. मैं तो कहती हूँ कि जो सीधे सीधे जो सिलुएट है हाँ वो सबसे बेस्ट रहता है, चाहे आप हैवी भी हों
और पतले भी। अब जैसे नादिया मेरे ऊपर सीधी सेलेवेट, अब जब मैं थोड़ी बल्की होती तो मेरे पेयर शेप बॉडी है तो मेरे ऊपर नहीं सीधे कपड़े सूट करते। वो इसलिए तुम चाक लंबे रखो, फिर तुम रखोगी चाक इतने अच्छा। लंबे नीचे, लेकिन अगर मैं चाक लंबे रखूंगी फर्ज करो तो एक बल्की औरत है तो उसकी तो बल्कि और नजर आएंगे यहाँ से। तुम जो बनाओगी अंजार बनाओगी, बेल बॉटम वाला, वो तुम वो नहीं बनाओगी कि मोटे कपड़े का हो, ब्रोकेट का नहीं बनाओगी। किस मटेरियल का बनाओगी? वो तुम बनाओगी हल्का सा फॉल जॉर्जेट का ले सकती हो, लाइनिंग भी लगी हो, रॉसल भी ले सकती हो। अच्छा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि यहाँ चुन्नटे नहीं होने चाहिए। ओके। जब भी बना ये सारी बेल्ट होनी चाहिए। स्ट्रेट ट्राउजर ना पहनू, तुम्हारे कहने का मकसद है अगर मैंने स्ट्रेट कुर्ती पहनी है और या कोई और खातून थोड़ी हल्की सी बल्की है तो वो स्ट्रेट कमीज बनाएंगी, चाक लंबे रखेंगी चाक और जो मटेरियल वो इजार के लिए यानी जो नीचे वो ट्राउजर है वो इतना पतला सिगरेट पैंट्स का नहीं होगा लेकिन वो मटेरियल फ्लोई होगा। इजार क्यों? इसलिए क्योंकि जब चाक लंबे होंगे तो आपके हिप्स दिखेंगे, ठीक है? तो इजार जो है वो लूज होगा और वो फिट बेल्ट का होगा कि जिप के साथ आप फ्रंट जिप रखें बिल्कुल पैंट स्टाइल। तो यहाँ से ये मैंने पहना है। अब ये इसमें कोई चीज डिफाइन नहीं हो रही आपके। और अब प्लस आपके जब बड़ी चाक है तो आपका क्या हुआ कि आप अगर हिप्स मोटे हैं तो यू आगे यू शेप नहीं आएगी, वो एकदम स्ट्रेट स्लिम और स्मार्ट लुक। एक और बहुत जरूरी एक चीज है कि आप हील्स का इस्तेमाल करें ताकि आप और ज्यादा लंबे लगे तो वो मोटापा कम लगे। हाँ, आपका जब सिलुएट थोड़ा सा लंबा लगता है ना तो उसमें आप थोड़े से वैसी थोड़ा सा आपका डायमेंशन जो है ना वो आपका चेंज हो जाता है। तो जब आप हील के साथ कपड़े पहनते हैं अगर आप हल्की से बल्की भी हैं या काफी भी बल्कि हैं तो अब आप हील पहनते तो आप में वो एक चीज एक वो यू नो वो एक ग्रेस और वो सारी चीज आ जाती है। अच्छा, मैं एक चीज पे कहूंगी कि आप जिस तरह आपने बताया आई बिलीव कि आप इट वेरीज एज टू एज फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मुझे बड़े दुपट्टे बहुत पसंद है। बड़े दुपट्टों में एक तो ये कि थोड़ा सा आप कवर भी हो जाते हो और दूसरा ये कि थोड़ा सा अगर आपने जो है आप चाहे उसके साथ शॉर्ट कमीज पहन रहे हो लंबी पहन रहे हो लेकिन जो हैवी है ना उनको सॉलिड कलर पहनना चाहिए, डार्क कलर पहनना चाहिए, मटेरियल थोड़ा सा उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें चिपकॉन है ना उसके नीचे लाइनिंग होती है डबल हो जाता है। आप सिंगल वाला आप मटेरियल लें जिस तरह ये वाला मटेरियल है इस टाइप का फ्लोई मटेरियल कॉटन सिल्क जो है इस टाइप का फ्लोई और थोड़ा सा ना ऊपर से अगर आप टेपर्ड रख रहे हैं उसे तो नीचे हल्का सा उसका जो है ना फ्लेयर आ जाए विद दुपट्टा तो इट लुक्स वेरी एलिगेंट एंड मेक इट लिटिल लॉन्गर। अच्छा, ब्रेक ये तो हो गई बल्कि लोगों की बात। कुछ लोग जिनकी हाइट छोटी है तो क्या उनके ऊपर ये अनारकली अच्छा लगेगा? क्या हाइट छोटी वालों के ऊपर ये शरारा अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा इसका। अभी अगर इस पर मैंने कहा तो तुम्हारे पास नहीं तो तुम इसने कहा मेरी हाइट मैं कहा खुद से ले आओ। ठीक है ना, खुद से भी कोई नग वाले या कोई भी तो उसने कहा थोड़ी सी मुझे हाइट छोटी लगेगी तो फिर मैंने कहा तुम सैंडल्स लाना कोई भी ठीक है ना तो वो इस और इसकी लेंथ हम और लंबी कर देते और थोड़ी सी लंबी करते क्योंकि अगर जितनी भी हील करनी जैसे अभी इसे पहना है देखो ना हील पहनी है ना तो ठीक है ये तो क्यों नहीं। तो जैसे नादिया अगर ये कपड़े पहनेगी नादिया खुशों के साथ बहुत अच्छी लगेगी, उसकी हाइट ज्यादा है है ना। अच्छा, मैं भी कभी जैसे अब मुझे जब फ्लैट पहनो तो लगता तैयार नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, आदत इतनी आप है ना? मैं जो हूँ ना मैं हालांकि मेरी हाइट अच्छी है मगर मैं खुद से ये अवॉइड करती हूँ स्क्रीन पे क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बल्कि लग रही स्क्रीन पे मगर वैसे शादी में जब मैं हो सकता है कि मैं इसके नीचे खुद से पहन लूं ताकि बिल्कुल एक और ऑन स्क्रीन तो आपका वजन ज्यादा भी लग रहा होता है जितना आप है नहीं वॉक भी अच्छी हो जाती है इतनी सी भी थोड़ा सा चाहिए हील हो ना आपका 1 इंच की भी हो आपकी वॉक बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर जैसे ऑन स्क्रीन नादिया अगर अंगरखे के नीचे खुद से पहनेगी तो वो उस पे स्मार्ट करेंगे इसकी हाइट ज्यादा है हम लोग जो है वो हमें बल्कि दिखाता है वो लोग। ठीक है, तो काफी आइडियाज मिल गए। शरारे वाली चीज बताओ एक लास्ट इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं। हाँ, कि अगर छोटी हाइट है तो शरारे आप पहन सकते हैं और कमीज की लेंथ क्या रखें? कमीज की लेंथ आप थोड़ी सी छोटी रखें लेकिन ये कि फिर आपका जो फिटिंग्स है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर वो बल्कि लड़की है ना तो आई बिलीव के पेपुलम बना ले या मतलब थोड़ी सी लंबी शर्ट के साथ इतनी लंबी शर्ट के साथ फिर वो शरारा पहन ले सी थ्रू हो जाए जिस तरह जिसमें आपकी इनर भी सी थ्रू हो और अक्सर होता है ना मैंने देखा लंबी कमीज होती है फ्रंट ओपन होता है नीचे से शरारा भी नजर आ रहा है जैकेट स्टाइल तो वो बहुत
बहुत प्यारा लगेगा. एंड अगेन टेक बिग दुपट्टा. इसको भी आप फ्रंट ओपन कर सकते हैं, अंदर पिंक कपड़ा दे दो और स्लिट, और ये लेस यहाँ पे भी दो तो और हैवी हो जाएगा. और शरारे के ऊपर भी फिर आप ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया. आपने एक तो टाइम यहाँ के लिए तो निकाला, क्योंकि बाजार गए हैं आप, वहाँ जाकर बड़े डिजाइनिंग किए कपड़ों के लिए. आपने अपने व्यूअर्स को बहुत हेल्प किया है. आप तीनों का बहुत शुक्रिया. We enjoyed a lot. मुझे क्रेविंग हो रही है आज शॉपिंग की. मैंने अपनी बेटी को लेकर निकलना है शॉपिंग जरूर, क्योंकि बच्चियां जो है ना वो कहती है हमने रिपीट नहीं करना. हाँ. तो मैं आज कम बजट में मैंने जाके जो है ना अपनी बेटी के लिए जोड़ा बनाना है. यहाँ बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है ना माशाल्लाह. मेरे पास तीनों आइडियाज हैं, क्या बनाना है, शरारा बनाना है, तंग पजामा, ये मैं वहीं जाके सोचूं. तो मिलते हैं किसी बाजार में. आज एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. थैंक यू टू इन लोगों को, थैंक यू कर रहे हैं. और ब्रेक के बाद वापस आके हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो आपको ब्रेक के बाद ही पता चलेगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. भाई ये सारी चीज़ें जो हमने आपको प्रोग्राम में दिखाई हैं वो सब तभी मुमकिन हो सकते हैं जब आपकी स्किन अच्छी हो, के बाल अच्छे हों, तो ही आप कपड़ों पे खर्चा करें, तो ही आप अपनी ज्वेलरी और मेकअप पे खर्चा करें. अगर आपकी बेसिक स्किन ही नहीं अच्छी होगी, बाल ही नहीं अच्छे होंगे, तो फिर सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी. तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक और चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, और वो है साहिर लोधी की ब्रांड अमोर. हमने कहा इसको अभी लॉन्च करते हैं. तो दिस इज एक्चुअली आवर न्यूएस्ट लॉन्च. अब मैं आपको दिखा सकता हूँ. ये एक्स्ट्रा वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू है. इट्स कॉल्ड मिल्की व्हाइट. अच्छा, मिल्की व्हाइट है ये. अच्छा, ये आपके बालों को एक तो गिरने से रोकेगा. हाँ. हमारे तमाम शैम्पूज के अंदर बालों को गिरने से रोकने का सोल्यूशन मौजूद है. अच्छा. तो एक तो वो रोकेगा, और दूसरी बात ये अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा थिन हो चुके हैं, लेकिन उनमें कोई वेट नहीं है, कोई लाइफ नहीं है. Okay. तो अगर आप वेट देना चाहते हैं और लाइफ देना चाहते हैं अपने बालों को, तो आपने ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना है. एक मरतबा इस्तेमाल कीजिए, आप टॉवल ड्राई कर लें, आप एयर ड्राई कर लें, आप ब्लो ड्राई कर लें, आपको इमीडिएटली लिफ्ट महसूस होगा, और इमीडिएटली ऐसा महसूस होगा जैसे वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया. तो इट इज कॉल्ड मिल्की व्हाइट, और ये वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू. याद रखिएगा, हमने इससे पहले हमारे बाकी शैम्पूज के अंदर वॉल्यूमाइजिंग है, लेकिन हमने कभी भी वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू नहीं निकाला था. सो दिस इज आवर वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू. इट्स मिल्की व्हाइट. फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, वैसे बहुत अच्छी फील है. आई वांट यू टू स्मेल इट. अगर आप इसको स्मेल करें तो मुझे बताइएगा. वेरी नाइस. थोड़ा पेपरमेंट टाइप. यस, इट्स फ्रेश. और वो आपके स्कैल्प पे भी सुकून देगा. और सबसे हाँ बिल्कुल सुकून. आप बहुत अच्छी बात की आपने. पेपरमेंट की वजह से मैं ये स्मेल करके सोच रही हूँ. मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको बहुत सुकून देगा, और आप ऑल ऑफ अ सडन एकदम से जाग जाएंगे. हाँ. आपको लगेगा आज सुबह मैंने भी ज्यादा जागे हुए आज. अच्छा, I've been traveling like crazy, like mad. We were in Lahore, then I'm here, then I have to go to the US. क्योंकि ना मुझे किसी ने पेपरमेंट ऑयल दिया था कि अगर सर में दर्द हो तो लगा लो, और वाकई मैंने लगाया था, मैंने स्मेल करके कि मुझे सुकून मिला था उस दो पॉइंट्स के लगाने से. अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये इसमें एक और इंग्रेडिएंट है जो बालों को गिरने से रोकता है. तो बेसिकली अगर आप ये शैम्पू लेते हैं तो भी आपके बाल गिरने से रुक जाएंगे. अच्छा नेता, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सोल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, और आज उस पर एक ह्यूज डिस्काउंट आपकी तरफ से. अच्छा, आपके शो की तरफ से. यू बाय एनी थ्री ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड यू विल गेट डिलीवरी फ्री. ओके, एब्सोल्युटली. हाँ जी. अच्छा. तो मैं आपको ये हेयर फॉल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसके साथ अब अगर आप ऐड करना चाहें तो ये मिल्की व्हाइट शैम्पू जो है ये ऐड कर सकते हैं. जरा आप फिंगर रख के बताएं कि किस किस चीज को. जैसे आप मैं बता देता हूँ. देखिए ये तीन शैम्पूज, ये तीन, ये एक सीरम, एक हेयर ऑयल और ये शैम्पू. Okay. ये तीन जो है ना एक साथ खरीदेंगे तो फ्री डिलीवरी. एनी थ्री प्रोडक्ट्स दैट यू बाय, कोई भी. इट्स फ्री डिलीवरी. इट्स फ्री डिलीवरी फॉर दिस वीक, द होल वीक. और ये हम आपके शो पे अनाउंस कर रहे हैं. तो ये तीन जो है ये हेयर फॉल सॉल्यूशन है. जब भी आप किसी को कॉल करें तो आप सिर्फ इतना कहिएगा, मतलब हमारे किसी को कॉल करें तो उनको कहिएगा. तीन चीजें स्किन ट्रीटमेंट की भी बताएं जरा. मैं बता देता हूं जाके लोगों को आइडिया भी मिले ना. अगर आप अपनी स्किन को ग्लो करना चाहते हैं,
थोड़ा सा ब्राइटनिंग देना चाहते हैं, लाइटनिंग देना चाहते हैं, तो हमारे पास ये एक ग्लो सीरम है। मैंने आपको पहले बताया था ये अभी हमारा रिसेंट लॉन्चर, बहुत अच्छा है। और एक बार फिर अगर आप मुझे इजाजत है मैं इधर आपको देना चाहता हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा हाउ इज इट। ये दो किस्म के इफेक्ट देता है आपको, एक टाइटनिंग इफेक्ट देता है और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। और ये आप हमारी प्लैटिनम गोल्ड क्रीम जो है उसके साथ लगा सकते हैं, ये इसके साथ लगा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ देखिए तीसरी चीज चाहिए ना फ्री डिलीवरी के लिए, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, ये रही। अच्छा, इसके ये तो आप भी लगाती हैं? यस, यस। आप मुझे, अच्छा इसके बारे में, मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं जो भी दूसरा सनब्लॉक यूज कर रही थी वो मेरे मुंह पे ऑयल आ जाता था। हाँ। अब आपने मेकअप नहीं किया हुआ और आपके मुंह पे ऑयल आया हुआ तो आपकी स्किन जो है ना वो इतनी फ्रेश नहीं लगती है। ये जो है ना इसमें ऑयल नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, मैं आपको सच बताऊँ, मैंने भी सिर्फ सनब्लॉक लगाया हुआ, कुछ भी नहीं लगाया हुआ, और ये वाला सीरम जो है ये इस्तेमाल किया है अभी अपने चेहरे पे। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये आपके चेहरे को ब्राइट करता है, ग्लो करता है, और सबसे बड़ी बात ये हमारी तमाम चीजों के अंदर टाइटनिंग एजेंट शामिल है, तो ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, तो आपकी स्किन फ्रेश लगती है। आपको मेरे चेहरे पे कभी कोई तब्दीली लगती है? मुझे तो आप ऐसे ही लगते हैं फ्रेश हमेशा से। अच्छा, उसका रीजन मैं आपको सच बता रहा हूँ। हाँ। न सिर्फ इसलिए कि मैं जाहिर है अपनी स्किन का ख्याल रखता हूँ, ख्याल किस सेंस में रखता हूँ, बेसिकली सनब्लॉक मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे, मैं इसके बगैर बाहर। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ मर्द बहुत रफ टफ होते हैं, वो नहीं ख्याल करते। नहीं, अच्छा मैं भी, आपको पता है मेरे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ। लेकिन मैं कम से कम सनब्लॉक जरूर लगाता हूँ। ये बहुत अच्छा है कि मर्द भी खरीदे ना ये। और उसके बाद ग्लो सीरम जो है, दिस इज अमेजिंग, इसको आप अपने चेहरे पर लगाएं एंड यू विल सी द डिफरेंस, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा। इसको आप नाइट क्रीम के तौर पर यूज कर सकते हैं, दिस इज प्लैटिनम गोल्ड, ये तीन एक साथ। तो ये आपका ब्राइटनिंग का, लाइटनिंग का सोल्यूशन है, ये बाकायदा सोल्यूशन है। अच्छा, फिर अगर आप यंग रहना चाहते हैं, हमेशा चेहरे की झुर्रियों से निजात हासिल करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि जो माइनर, देखिए बहुत मैसिव झुर्रियां वो खत्म नहीं होंगी, तो अगर कोई आपको हमारी तरफ से भी ये कहता है कि आपका बहुत मैसिव प्रॉब्लम है और वो खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं होता। लेकिन अगर आपके रिंकल्स अभी शुरू हुए हैं, अगर आपकी फाइन लाइन्स है, तो वो खत्म हो जाएंगी। वो कैसे खत्म होंगी? आपने एलोवेरा यूज करना है, एलोवेरा के साथ आपने हमारा विटामिन सी का सीरम यूज करना है। एंड देन अगेन मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये जरूर यूज करना है, विच इज सन ब्लॉक, इसके साथ, ये तीन चीज़ों के साथ। अच्छा, सनब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सूरज की रेज या गर्मी जो है वो आपकी स्किन को मुतासर करती है। हाँ। तो जब आप सनब्लॉक लगाते हैं तो हमारे सनब्लॉक के अंदर 100 SPF शामिल है, तो 100 SPF आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। फिर सबसे बड़ी, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल एक रीज़न बताता हूँ, हमारे यहाँ अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद स्किन के साथ आप जो भी करेंगे स्किन कभी रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन निदा करती है रिएक्ट। आपको पता है कि एजिंग आती है। जी बिल्कुल। आप एजिंग को खत्म नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं। अगर कोई शख्स हमारी तरफ से भी ये कहता है कि एजिंग खत्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती, गलत बयानी होगी। लेकिन शायद कुछ लोग एज करते हैं तो उनमें ग्रेस आती, ग्रेस आता है। मैं तो अपनी पुरानी तस्वीरें नहीं देख पाती। नहीं नहीं, आप और क्या, उसका कल ही नहीं थी क्या पहनना ओढ़ना है, क्या लगाना है। तो अभी अगर आप कॉल करें और अगर आपको बालों के गिरने का प्रॉब्लम है, तो हमारे लोगों से आप ये पूछ सकते हैं कि जी मुझे बताइए मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपको ये रिकमेंड कर देंगे। हमारे पास जो हेयर सीरम है, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, वो तमाम लोग आप जो जिनके बालों में गंजपन आ गया है, ख्वातीन या मर्द, उनका गंजपन इससे दूर हो सकता है। लेकिन ये एक दिन में दूर नहीं होता, एक हफ्ते में दूर नहीं होता, 2.5 महीने लगते हैं। हाँ, 2.5 months। ये बॉटल काफी है, सिर्फ आपको 7 drops महीने चलेगी ये बॉटल। जी 7 drops आपको यूज करने, सिर्फ 7 drops आपको यूज करने रात को। कौन से हिस्से में लगाएं? जहां आपको लगता है कि बॉल्डनेस ज्यादा है, बस वहां लगा दीजिए, या ओवरऑल स्कैल्प के अंदर, लेकिन 7-8 drops से ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, बिल्कुल ना। और पूरी रात लगाइए, और सुबह उठ के ये वाला जो शैम्पू है इससे आप धो लीजिए, या व्हाइट से धो लीजिए। अब ये और ये ऑयल का एक साथ लगा सकते हैं, एक दिन ये लगा लें, एक दिन ये लगा। ये रोजाना रात को लगेगा, और ये कभी भी आप लगा सकते हैं रात को या दिन में लगा सकते हैं, ये हफ्ते में 3 बार लगेगा। और ये पूरी रात के लिए लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, मैं तो पूरी रात ही लगा। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बच्चों have to, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ये आप 7 days लगाएंगे। अच्छा। 2.5 महीने continuous इस्तेमाल करेंगे, because ये, अच्छा ये वाली जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनके बाल बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, जिनके बालों की मांग यहाँ से हो रही है, यहाँ से उनका वो बड़ा हो रहा है, माथा ब्रॉड हो रहा है, पीछे से यहाँ से बाल जा रहे हैं, या उनके बाल यहाँ से नीचे से बहुत थिन हो चुके हैं, ये उन लोगों के लिए। और 2.5 महीने के अंदर अंदर वो डिफरेंस देखते हैं, उनके बालों में लिफ्ट भी आता है और बाल बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो दिस इज ऑल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अलावा कुछ नहीं है ये। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं फिर भी एक डिस्क्लेमर देता हूँ हमेशा, प्लीज अच्छा एक चीज के बारे में हम बात करना चाहते हैं, विच इज आवर वेट लॉस। आप मुझे देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खाता हूँ, सब खाते हैं, नान, ये पाए, बहुत शौक, नहारी, सब। पाए नहीं खा सकता मैं, नहारी जरूर खाता हूँ। अच्छा। और नहारी मेरा फेवरेट तरीन है। अच्छा। कढ़ी मेरा फेवरेट तरीन है, मछली, मतलब रोटी चावल वगैरह सब खा। अल्हम्दुलिल्लाह आई ईट एवरीथिंग। और ये गोली खाते हैं फिर? एक, ये राजा से पूछ लीजिए, ये टेस्ट करेगा इसको।
एक मैं नाश्ते के बाद एक गोली लेता हूँ। अच्छा, ये नाश्ते के साथ लेनी चाहिए? नहीं, नाश्ते के फौरन बाद। अच्छा। नाश्ता कर लीजिए आप। अच्छा, जैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, मेरा नाश्ता, मेरा पहला मील 12 बजे शुरू होगा। जब भी आप मील जैसे खत्म किया उसके बाद आप। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, अच्छा वो लोग आपके लिए शायद ये काम ना करें, मतलब बहुत ज्यादा काम करेगी, आपका वेट बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। अच्छा, बिकॉज जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी डाइट पे हैं वो इसको ना लें। ये उन लोगों के लिए जो डाइट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। नहीं, मैं बाकी डाइट का खाना नहीं खा रही। अच्छा, दो मील्स खा रही हूँ। तो आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। और आप फिर आप डिफरेंस देखेंगे कि आप यूं श्रिंक होंगी। अच्छा, हाँ, यू वुड लूज पाउंड्स लाइक दिस। देखिए, एक महीने के अंदर आपके 3 से 4 इंच बेली से कम होते हैं। okay. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जितना खाना खा, मेरे जो सुबह का खाना है उसके अंदर 3 अंडे, फिर उसके बाद डिफरेंट किस्म के सालन, फिर 2 पराठे, फिर ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, एंड देन चाय, and then this. अच्छा, लोग सुन के ना तरस रहे होंगे यार। I'm not kidding. अच्छा, मैं अपने आपको नहीं तरसाता, मैं आपको अपने आपको नहीं मारता, because मैं खाने के लिए तो काम करता हूँ यार। और किस चीज के लिए काम करता हूँ? अच्छा, आप खुद कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं अपने रेंज में से? This, which is seen. Okay. This is my perfume and it's called seen. सबकी अपनी choices होती है ना? हाँ, हाँ. अच्छा, ये मुझे तो याद भी हो गई, यूनिसेक्स है ये। Yes. I just love it. तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसको भी आप कॉल कर सकते हैं। Any 3 perfumes you buy, आपको delivery जो free है। Perfumes में भी delivery free है। Anything, आप you can buy 1 perfume, different stuff, it's all delivery free. You can buy this, जो कि rice serum है, हमारे rice scrub के साथ आपने इस्तेमाल किया इसको, and I'm sure कि आपको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है हमसे बेहतर rice scrub किसी का भी नहीं है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप खुद इस्तेमाल करके देख लीजिए। ये राइस स्क्रब आप हफ्ते में 2 बार लगाइए, और ये राइस सीरम जो है ये आप हफ्ते में 5 बार 6 बार 7 बार जब भी लगाएं, और आपकी पिंक स्किन हो जाएगी, लिटरली पिंक स्किन हो जाएगी। तो इट्स ये आपको ग्लो देता है, ये आपको एक्सफोलिएट करता है, सारी रेड स्किन खत्म कर देता है। यहाँ से यहाँ तक लगाइए, और उसके बाद इसके 2 से 3 ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक काफ़ी होते हैं। देखिए, राइस एक ऐसा एजेंट है जो आपको लाइट करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपकी स्किन को टाइट कर देता है। okay. तो बेसिकली इसको आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो यू विल फील द डिफरेंस। अच्छा, एक चीज के बारे में अगर टाइम है तो मैं बात करूं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली लाहौर में था। हाँ। तो एक खातून मेरे पास आई, अब आई वाज स्टेइंग एट पीसी, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहिर, आई नीड टू स्पीक टू यू। आई सेड, जी बताइए। कहने, साहिर, दिस हैज सेव्ड माय लाइफ। एंड आई सेड, व्हाट डू यू मीन दिस हैज सेव्ड योर लाइफ? अच्छा, इसके अंदर हम 24 कैरेट गोल्ड इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये हमारा इजिप्शियन गोल्ड है, इजिप्शियन फार्मूला है। कहते हैं कि मेरी स्किन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई स्टम्बल्ड अपॉन, उन्होंने आप ही का शो देखा था। हाँ। और आप ही का शो देखने के बाद उन्होंने ये मंगवाया था। तो क्या प्रॉब्लम थी स्किन पे? कहते हैं मेरी बहुत स्किन डल हो गई थी। अच्छा। सैग कर रही थी। हाँ। मेरी लाफ लाइंस बहुत ज़्यादा नुमाया थी, और मुझे ऐसा लगता था जैसे एवरीथिंग इज गोइंग डाउन हिल। तो उसके बाद मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, एंड विद इन अ मंथ एंड अ हाफ देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस। क्या एज थी उनकी? शी वाज अबाउट 34 35, ऐसी एज थी। आई मीन एज बहुत ज्यादा नहीं थी। अच्छा। पर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया ना। आई वांट टू से हर नेम एज वेल, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। बिल्कुल। लुबना इमरान, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, आई एम गोइंग टू सेंड दिस टू यू, आज ही आपको भेज दूंगा। आपने मुझसे कहा था, मैंने आपसे कहा था कि मैं मंडे को जाऊंगा, आपका नाम लूंगा, सो हियर इट इज, एंड शी इज अ फैन ऑफ योर्स। तो उनको आप लुबना को कह दीजिए। लुबना, बस अब आप जवान जवान हो जाए, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। ये करता है, लोगों के टेस्टिमोनियल सामने आते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप लोगों के टेस्टिमोनियल के साथ जिंदा रहते हैं। अच्छा, हमने अपनी वो ब्लू वाला भी बता दें, मैं भूल गई वो क्या था। अच्छा, ये तो बड़ी कमाल चीज है, दिस इज कॉल्ड पिग्मा क्योर। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, झाइयाँ हैं, याद रखिएगा जो कम झाइयाँ हैं वो ये दुरुस्त करेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेयर्ड झाइयों को ये दुरुस्त कर देगा, नहीं करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। देखिए, मैं दिस इज योर मनी एंड आई कांट लाई टू यू। मैं बहुत, मुझे डजंट रियली मैटर वेदर यू परचेज एनीथिंग और नॉट, लेकिन ये आपका पैसा है और हार्ड अर्न पैसा है, और मेरा ट्रस्ट आपके साथ है, एंड अमोर स्टैंड्स विद यू विद द ट्रूथ। देखिए, एक बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अगर डीप पिगमेंटेशन है उसको ये नहीं करेक्ट कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। बेस है ना आपके पास, बेस भी है, छुपा लें। छुपा लें, या यू कैन गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और वो आपको करेक्ट कर देंगे। लेकिन जो सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स होती हैं पिगमेंटेशन की, झाइयां होती हैं, टू टोनिंग होती है, नकल का ब्लैक होना होता है, तो वो इससे बड़े आराम से नकल पे भी लगा। जी जी बिल्कुल, नकल पे, गर्दन के पीछे, यहाँ पर लगा लें, और जो बड़े बड़े से पैचेस बन जाते हैं वो टू टोनिंग हो जाती है, तो वो उससे। और ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने लेता है, एंड देन
इट करेक्ट्स तो बहुत आराम से करेक्ट हो जाता है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसको स्टेडिली लगाएं. इसका एक प्रिकॉशन है और प्रिकॉशन ये है कि जब आप इसको धूप में ना जाएं, चूल्हे के आगे भी, चूल्हे के आगे और धूप के अंदर ना जाएं 20 मिनट्स तक. और 20 मिनट्स के बाद बट मेक श्योर प्लीज़ मैं आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ प्लीज़ मेक श्योर कि आप सनब्लॉक ज़रूर लगाएं. डजेंट रियली मैटर वेदर यू बाय दिस और यू बाय एनीवेयर, दिस इज़ योर स्किन. प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आपने नहीं लगाया ना सनब्लॉक तो बाकी तमाम चीज़ें फेल हो जाती हैं. एग्जैक्टली तमाम चीज़ें फेल हो जाती हैं. तो आपको सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है. निदा, आपने कभी ट्राई किया हमारी फाउंडेशन? नहीं, मैंने नहीं अभी तक ट्राई की. अभी तक नहीं. मैं नॉर्मली जो है ना टीवी के लिए तो दूसरी बेस इस्तेमाल करती हूँ. आमतौर पर मेकअप नहीं करती कि स्किन को ज़रा. अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा. टुमारो आई एम गोइंग टू लीव दिस विद यू. अच्छा, हमारी ये बीबी क्रीम है. डोंट पुट एनीथिंग एल्स, जस्ट यूज दिस. अच्छा, तो एक ही शेड है आपके पास? दिस इज न्यूट्रल. न्यूट्रल, इसको यू कैन यूज इट, एनीवन एल्स कैन यूज इट, योर कॉम्प्लेक्शन कैन यूज इट, एनी अदर कॉम्प्लेक्शन कैन यूज इट. इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू वुड एवर फाइंड. आई ऑनेस्टली आप इसको सिर्फ इस्तेमाल कीजिएगा. अच्छा, और बहुत थोड़ा सा लगता है. अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा ये. बहुत थोड़ा सा लगेगा. इसको मैं बहुत ज्यादा निकाल लिया मैंने. बहुत ज्यादा करके देख रही हूँ. थैंक यू सो मच साहिर, बहुत शुक्रिया. तो एक नई चीज आज हमारे शो से लॉन्च हुई है, वो है आपका वॉल्यूमाइजिंग मिल्की शैम्पू. जी, वॉल्यूमाइजिंग मिल्की व्हाइट शैम्पू, और ये आप अभी भी ले सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. बहुत खुदा हाफिज. दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. इंतजार कीजिएगा मेरा सुबह सुबह. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.